नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे जी, टॉपिक लिया हमने तमस। हमारे जीवन में हम कोई भी काम करते हैं, ये बातें लगातार कही जाती है कि भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवान के ऑपरेट करने का एक सिस्टम है, इसे हम गॉड शब्द नाम से जानते हैं। गॉड ये करता है जनरेट, ये करता है ऑपरेट और ये होता है डिस्ट्रॉय। अभी जीवन का शाश्वत नियम है, सत्य नियम है कि कुछ होएगा अच्छा तो बुरा होएगा ही होएगा। आपकी एक प्रमोशन हो गई, दूसरी जॉब लग गया, तीसरा कोई और पॉजिटिव काम हुआ, अब तो कोई ना कोई सत्यानाश होना है, कुछ पक्का मरेगा। इसे कॉस्मिक करेक्शन के तौर पे हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं, यानी कि जब तक कोई चीज पहले के रूप से नष्ट नहीं होगी, नई बनी नहीं सकती। ऐसे कई लोग होते हैं जो एक ही जैसा जीवन जी रहे हैं, बीसियों साल से एक जैसा ही चल रहा है, 40 साल से एक जैसा ही चल रहा है, क्योंकि उनका पिछला एक वाला है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। पिछले वाले सिस्टम को अगर आप नहीं बदलोगे, नहीं समाप्त दफा छोड़ोगे, जिंदगी 85 साल में बदलेगी नहीं। कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड बदलता ही नहीं है, मेरी वाइफ सुनती ही नहीं है, यार एक ही घर में पैदा हुए साले, उसी में मर गए हम, ये क्या कूड़ा जिंदगी है यार। क्योंकि आपका जीओडी गॉड का पूरा साइकिल नहीं चला। लोग लड़की ढूंढ रहे हैं बेटे की शादी के लिए, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं काम के लिए, यार पिछला खत्म क्यों नहीं होता स्यापा? पिछला झंझट खत्म होना इतना जरूरी है कि गॉड की साइकिल पूरी हो, हमारा पिछला साइकिल खत्म नहीं हो। हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ होना भी एक दिन खत्म हो जाता है, वहां डिस्ट्रक्शन हुई, अब हम अस्वस्थ हुए। अब अस्वस्थ होना भी सुधार होता है, कईयों में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत से लोग ठीक भी हो जाते हैं, उन्होंने गॉड की साइकिल पूरी कर दी। अगर ये साइकिल आपकी पूरी हो गई तो इसका मतलब आप ईश्वर के हर चीज को मान्यता देते हैं और कहते हैं यस ओके। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जीवन बदलता क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ यार एक जॉब की ऑफर आई है भाई, फिर हम उसका इंटरव्यू देने चले गए, पास हो गए, जॉब लग गई, बहुत बढ़िया हो गया यार, मजा आ गया। अब हम कहते हैं यार कल को जॉब पे आंच ना आए, आंच ना आए। ये जो ना हमारी शुरू होती है ना, ये ना इसको ब्लॉक कर देती है, इसको ब्लॉक कर देने से जिंदगी वैसी ही चलती चली जाती है सैकड़ों साल तक, और हमारे जीवन में बदलाव भी नहीं आता। हम कहते हैं ये ना छीने, ये ना हो, ये नष्ट ना हो। ईश्वर का सीधा सा सिस्टम है, सुबह हो गई गुड मॉर्निंग के बाद दोपहर हुई शाम होगी, आप कहते हैं यार कितना बढ़िया दिन बीता, रात ना आए। मान लो रात नहीं आई तो अगला दिन नहीं आएगा, तो संसार तो नियम से चल रहा है, वो तो रात जाएगी ही जाएगी, सुबह आएगी ही आएगी, रात जाएगी ही जाएगी, लेकिन हमने मन में मानसिक तौर पे अपनी ऊर्जा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया रात को, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए यार, झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई, क्लेश नहीं होना चाहिए, जिंदगी वही रुक जाएगी। जिस दिन से आपने जीवन को पूरा, गॉड को पूरा एक्सेप्ट करना या आदत में नहीं शुमार किया, आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी, और आपकी कभी इंटरव्यू दे जा रहे जॉब नहीं लगेगी, आप मकान के लिए कोशिश कर रहे हैं मकान नहीं बन रहा है, आप लगातार इस चक्कर में शादी हो जाए शादी नहीं हो रही, कुछ काम नहीं होगा, वहीं अटक जाएगी। आप मर जाओगे समझा समझा के, यार ये पति मेरा सुनता नहीं है, मेरी पत्नी समझती नहीं है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया उसको, खत्म कर यार, आज दफा कर दे यार, खत्म होना है आज, एंड हो गया, इसे अंधे कुएं में डाल दो। ये उस प्रकार के एग्जांपल होते हैं, लोग होते हैं उनके घर में एक इलाका होता है, वो सीढ़ियों के या तो नीचे होता है या ऊपर की सीढ़ी के ऊपर होता है, वहां पुरानी चारपाई पड़ी होती है, पुरानी निवार पड़ी होती है, पुराने बस्ते पड़े होते हैं, वहां पर एक पुरानी दादाजी की कुर्सी पड़ी होती है, वहां पर एक डब्बा पड़ा होता है उसमें पुराने बटन पड़े, चीजें काम आएंगे, कभी काम आएंगे, वो रखे हुए उन्होंने। ऐसे घरों में जहां ऐसा कोई परछत्ती पे या सीढ़ी के नीचे जगह है, वहां पुरानी कुछ पड़ा हुआ है, उसे डिस्ट्रॉय, खत्म, दी एंड, दफा नहीं करना। तो आपने अपने जीवन के डी डिस्ट्रक्शन, खत्म, समाप्ति को ऑन नहीं किया। काली अंधकार की रात आती है, वो आएगी तभी अगला दिन सवेरा होगा। अब आप नयापन जीवन में चाहते हैं तो आपको पुराने को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन एक शब्द बना है जिसके देवता हम शिव कहते हैं, लेकिन ये रिसरक्शन के देवता, यानी खत्म करके पुनर्जन्म, अब पुनर नया कुछ उसका कार्यक्रम किया जाए। पर वो नया कैसे बनेगा, कूड़े की खाद कैसे बनेगी, जब उसे पूर्ण रूप से दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे, मृत्यु हो गई, लाश क्या करते हैं, खत्म कर दी जाती है, जला दो या दफना दो। ऐसे अपने जीवन में हम कितनी चीजें दफनाते हैं, हमसे दफन नहीं होती, हम पुरानी बातें खत्म नहीं करते, यारे पापा मेरे सही नहीं है, मैं दुखी हूं यार इससे, ये भाई मेरा जो है, ये नौकरी जो है मेरी, मैं परेशान हो चुका हूं यार, यारे बच्चे सुनते नहीं, डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय, गॉड को पूरा साइकिल कर लेने दो। जब आप ये पूरी साइकिल कर देंगे तो आपके जीवन की जो तमस है, ये तमस का हिस्सा है,
ये आपको सृजन देगी, सृजन, नया जन्म। लेकिन अगर आपने नहीं किया, अक्सर लोग क्या कर बैठते हैं कि हम लोग इसको होने नहीं देते, ये भी तमस है। इसे ना होने देना ये भी तमस है, और होने दिया के बाद सत्यानाश, पीटा, खत्म किया, तमस पूरी की, दोबारा से सृजन होगा। हम अपने जीवन में यही अटके रहते हैं कि नो, खत्म ना होने चाहिए, जाना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। इसे हम बांध के रखते हैं मोह से, क्रोध से, अहंकार से। ये हमारा षड विकार है, हमने ये ऑन करके रखा हुआ है कि किसी भी हालत में कुछ क्यों ना हो जाए, हमने गंदे इंसान नहीं बनना, गंदे इंसान को नहीं बनना। नहीं जो है, इसने इसको एक्सेलरेट कर दिया। आप गंदे इंसान हैं, और हैं के बाद उसे खत्म कर दिया, दफा हो गया, डी पूरा हो गया। मेरा बच्चा बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, बहुत, हाँ है, अब इसे खत्म कर दो। हाँ क्रोधी है, खत्म, देखना वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं इतना क्रोधी क्यों, ये क्रोधी ना हो, ये क्रोधी ना हो, ना ना ना। हमारे जीवन में ये तमस इतनी आवश्यक है कि इसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, और ये इतनी खतरनाक है कि हमारे सर्वाइवल का सत्यानाश कर देती है। गाड़ी में एक ब्रेक होता है, उस ब्रेक को यदि दबाया जाए तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन उचित समय पर दबाया जाए तो हमारे जीवन में उस गाड़ी की वजह से, ब्रेक होने की वजह से, उस गाड़ी के अंदर हम बढ़िया यात्रा कर पाते हैं। मजे की बात है, हमें पता होना चाहिए ब्रेक कब लगाना है। अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रेक ही लगा रखी है। अर्जुन मध्य में पहुंच गया, कृष्ण को बोल के रथ यहां ले चलिए, देखा ये मेरे रिश्तेदार है, फलाना है, ढिमकाना है, और उसने अंधकार में अपने जीवन को पाया। जब जब हम अपने जीवन में अंधकार को पाते हैं, तमस का अर्थ है अंधकार, ब्लैक, मृत्यु, अंधकार है तमस। जब अर्जुन ने यह पाया कि पूर्ण रूप से अंधकार हो चुका, जीवन में कुछ नहीं रखा, तो उसने सब छोड़ दिया, और उसने कहा मेरे बस की कुछ नहीं है भाई। बहाने, बहाना नंबर वन ये मेरा भाई है, बहाना नंबर टू वो मेरा चाचा है, वो बहन है, फलाना है, ढिमकाना है, बहाने बहाने बहाने, काम नहीं करना, मेरे से युद्ध नहीं होता। ऐसे कई लोग आते हैं, जम जाएंगे कब से, दो दिन के बाद तमस ऑन हो जाती है, हाँ तो कल से ही तो कहा था सो जा भी, तो 5 बजे उठे, आज जोर लगाएंगे 6 बजे, फिर वो कहते हैं हेलो दोस्त, खींच लेगा क्या भाई, ये कंबल से बाहर निकाल लेगा मुझे, तू कंबल तो मुझे बाहर जाने नहीं देता, मेरे तो बस की है नहीं, कल सुबह उठा लेगा। फिर वो दोस्त आता है उठाने, वो पत्नी आती है, सुनो जी वर्मा जी आए हैं, कह दे यार मेरी टांग में चोट लगी है। ओ यार वो कह रहे हैं आपने कहा था उठाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो कह देना दफा कर, मेरे बस की नहीं, मेरी नींद भी खराब कर रही है। तमस है, पड़े रहो, लेजी, लेथार्जी, कछू ना होता हमसे भैया, हमसे ना हो पाएगा, कुछ नहीं करेंगे। 2-3 दिन के जोश के बाद हम जिम जाना सुबह छोड़ देते हैं। 1-2 बार हम काम के लिए गए, काम नहीं मिला, फिर हम कहते हैं नहीं यार वो अफसर काम देगा नहीं, वो ठीक नहीं है यार, छोड़ ना छोड़ ना, कौरवों से क्या है ये दुकान, छोड़ ना, क्या करना है, जमीन क्या रखा है, ऐसा मोह माया यार, हमारे बस की नहीं है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं क्या रखा है यार अमीरों का, आले गरीब बस बस रहते हैं, शरीर ठीक है, सब बहाने। कर्म ना करने की इच्छा इज तमस, मरी गया सब खत्म। और यही यदि नेगेटिव सेंस में लेके चले तो काम खत्म होने देना वह नहीं होने देना, ये कर्म करना भी तमस है कि मैं गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ब्रेक लगा दिया। तो अर्जुन ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दी। अब कृष्ण जी ने कहा यार बहुत लफड़ा तेरा, तो भाई युद्ध कर ले, तमीज में आ जा, थोड़ा सा कुछ हिल ले, गाड़ी को यहीं रख के बैठा है, जलंधर कैसे पहुंचेगा। उसने कहा ना मैं तो ब्रेक लगा के रखूंगा, मेरे बस की नहीं। बोले एक्सीलेटर लगा। बोले नहीं एक्सीलेटर लगा के देख लिया कुछ नहीं। बोले मैं क्लच सिखाता हूं। गीता मीन्स क्लच, क्लच का मतलब सतोगुण, सत, तरीका क्या है भाई उसको चलाने का ये जानना, और रजस क्या है, रजोगुण, ये है भोग। अर्जुन को सत्य की समझ आई नहीं, रजोगुण एक्सीलरेटर, भोग यार, कुछ भोगना भी है यार, राजा हो, राजा बन के रहो, सारा ऐश करेंगे, नहीं हम जंगल में चले जाएंगे, खत्म करेंगे। ऐसे भगोड़े हैं हम लोग, जो काम करने के टाइम रुक जाते हैं, हमसे मेहनत नहीं होगी, इतना बड़ा एग्जाम है कौन देगा, स्टेज पे कैसे परफॉर्म करेंगे, छोड़ो क्या रखा है, रजोगुण चाहिए, करेंगे यार, हिलना यार, करेंगे। जैसे 2 दिन का जोश आया यार आज जिम जाएंगे, 3रे दिन तमस ऑन हो गई, छोड़ क्या रखा है, मोह माया है, बढ़िया तो खाते हैं यार, सब कुछ अच्छा है, कहां बीमार पड़ेंगे। आपके जीवन में तमस आपको हर चीज में रोकती है, और ये रोकना अत्यावश्यक भी है, हैरानी की बात है, अभी चाहिए भी और ये गंदी बात भी है। तो क्या मतलब हुआ, आपको चीनी तो चाहिए पर थोड़ी सी चाहिए, नमक तो चाहिए थोड़ा सा चाहिए, ना तो चाहिए थोड़ी सी चाहिए, आलस भी चाहिए, आलस भी चाहिए थोड़ा सा चाहिए। कई चीजों को ईश्वर पे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, करके छोड़ना है, बिना किए छोड़ दिया, ये बीज है,
घर में पड़ा, इसे मिट्टी में दबाना था। हेलो भगवान, हेलो, हाँ भगवान मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, इस बीज के मतलब पौधा बना दे, इसका फल उगा दे। वो कहता है मिट्टी में तो डाल, पानी तो दे थोड़ा सा। ये कर्म जो है, किसी चीज को करना, पैशन, करने की इच्छा, ये रजोगुण है। क्या करना है करेंगे। हमारे जीवन में जब हम काम करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं गाड़ी का, तो गाड़ी चल पड़ती है। अब उसके बाद गियर शिफ्टिंग है, कहीं स्लो चलाएंगे, कहीं स्पीड से चलाएंगे, कहीं कहीं रोकेंगे, कहीं कहीं ब्रेक का हल्का सा इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी फैंटास्टिक चलती है। अगर आपका जीवन चलाना है आपने और शानदार चले, खूब नोट छपे, खूब मस्ती हो, खूब बढ़िया नींद आए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्पीड लो, कभी कभी स्पीड को स्लो करो, कभी कभी क्लच इस्तेमाल करो, कभी कभी रुक जाओ, कभी कभी ब्रेक का इतना इस्तेमाल करो कि ना रुके ना बढ़े, गियर शिफ्टिंग। यानी कभी कभी हमें चंचलता चाहिए, कभी चपलता चाहिए, कभी चालाकी, कभी समझदारी। नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये जो बहुत अच्छे हैं, अपनी नजरों में बहुत अच्छे हैं, ये सारे के सारे तामसी के आलसी हैं, अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते। और वो यही कहते हैं, हमने कभी किसी से झूठ ना बोला, हमारा दिल बहुत अच्छा है। अब भाई, दिल तो सिर्फ हनुमान जी दिखा सकते थे फाड़ के, कि राम लखन सिया बैठे हैं और किसी के बस की ना है। इन्होंने पूछा, क्या थोड़ी सी ब्रेक लगाने से गॉड साइकिल पूरा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ही ब्रेक लगाने से गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी सी ब्रेक लगानी है। धीमी धीमी गति से गाड़ी लुढ़क भी रही है और चल भी रही है, और यदि क्लच का इस्तेमाल आपको आ जाए सतोगुण, तो मजा ही कमाल है यार। हमारे जीवन के अंदर कोई भी कर्म जो हम करते हैं, और इसलिए करते हैं कि करना तो भाई है, आगे क्या रिजल्ट होगा देखा जाएगा, ये सत है। बाहर में जाए यार, हमने बच्चे को बोल दिया, उसने समझा नहीं समझा, दफा कर उसकी मर्जी। ये दफा होता है, ये यही नहीं होता, बस ये यही हमारे बस का ना है। हम कहते हैं छोड़ना, हम कहते हैं नहीं पीछे पड़ गई, ये तो चाहिए है। किसी भी कार्य को करना और करना और करते ही रहना और पागल ही हो जाना, ये रजोगुण है। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर में पावर रख के नींद आ गई। एक बार एक बहुत बड़ी रेस हो रही थी, उसमें 10 लोगों ने भाग लिया, तो उसमें एक जीतने वाला व्यक्ति था जिसकी शानदार कार ड्राइविंग थी, और उसने कहा ऐसा करो यार, जीत तो मेरी होनी है, जो बाकी 8-9 बंदे हैं उनकी टांगे तोड़वा दो। अब दादागिरी के तहत उसने करवा दिया ऐसे। जब कंपटीशन का दिन आया तो आयोजकों ने कहा भाई कोई रेस चलने वाला ही नहीं अगले दिन, तो कैसे करेंगे, तुम कुछ रेस में भाग ही नहीं ले सकते। उसने कहा यार तो गड़बड़ हो गई। उसने रातों रात आलसी ढूंढे, एक से बढ़कर एक आलसी होने चाहिए। उसमें एक इतना भयानक आलसी उसे मिला जो कहता भाई गाड़ी में बैठ के अपने बस की तो नहीं है भाई, अपने बस की नहीं है, कौन एक्सीलेटर दबाए। उसने कहा भाई देख, अगर साले तू रेस में चला ही नहीं ना बिल्कुल, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी रेस, और मैंने तो जीतना, मैं जीत नहीं पाऊंगा, तुझे थोड़ी देर एक्सीलेटर चलाना है, उसके बाद ब्रेक लगा देना। बोले यार इतना काम कौन करे, अपने बस की ना है, कोई और रख लो। बोले बंदे ही नहीं मिल रहे, अब आखिरी तू ही है, और तेरे दम पे हो सकता है मैं रेस जीत जाऊं, अगर तू रुक गया ना तो साले डंडे मारूंगा। बोले हाँ मार लियो, मेरे बस की नहीं है, मेरे से ना नहीं होती, मैं पड़ा रहूंगा, मार खा लूंगा, भगवान धीरे धीरे ठीक कर ही देगा, घाव बड़े बड़े ठीक करता है। बोले यार तेरे पैर पूछता हूँ, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, हर हालत में तेरे को थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाना ही है, और उसके बाद झट से ब्रेक लगा लेनी है, खत्म बात। रेस की स्टार्टिंग हो गई। अब रेस स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आलसी लोगों ने धीरे धीरे गाड़ी ठुचुक बढ़ानी शुरू की, और उस बंदे ने अपनी स्पीड खींची। अब स्पीड क्या खींची, थोड़ी देर में देखा तो उससे भी फर्राटे से तेज एक गाड़ी आगे निकल गई, चले जा रही। आखिर एंड फर्स्ट। उसने कहा यार ये कौन सा आ गया बीच में, इतना फास्ट इतना तेज। जब एंड लाइन पे पहुंचा 2 मिनट बाद देखा तो वही आलसी। बोले साले तूने किया क्या ये, तू इतना आलसी था, तेरे से तो साले एक्सीलेटर नहीं चल रहा था। बोले भाई मैं एक्सीलेटर पे पैर रख के भूल गया, मेरे से ब्रेक ना दबाएगा कौन, अब दबाए उठाए हिलाए गलती से फर्स्ट आ गया यार। ऐसे भी मूर्खतापूर्ण लोग होते हैं जो एक प्रॉपर्टी बनाई, 2 बनाई 4 बनाई 10 बनाई, एक्सीलेटर पे ही चले हुए पागल ही हुए जा रहे हैं, ये रजोगुण है। आपसे अंत ही नहीं हो रहा, एक ऐश की दूसरी ऐश तीसरी ऐश, लगे हुए पागल हुए जा रहे हैं अंधाधुंध। मुझे रिसेंटली कल की डेट में एक हस्बैंड वाइफ जोड़ा आए, बड़े प्यारे बच्चे हैं जी, सालों साल से आते हैं, अब धीरे धीरे उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी हो ही जाती है धीरे धीरे। तो आए जी फलान ढिमकान। तो मैंने कुछ दिन पहले मकान शकान लिया था, तो उसके लिए आए थे जी, एक डब्बा लाए थे दीजिए जी। मैंने कहा वाह, फ्री की चीज के लिए तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अब बोले जी ये बड़ा अच्छा हो गया जी, मकान हो गया, वो हो गया, लेकिन क्या किश्तें निकल आएंगी? मैं कह रहा सब निकल आएगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो। हस्बैंड बोला तो मेरी भी जॉब वहां पर हो जाएगी जी, शिफ्ट कर रहे हैं वो दिल्ली से, तो मेरे को भी वहां ये हो जाएगा, वहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब मेरे को वो करना है ये करना है, मैंने कहा सब हो जाएगा। फिर वो 2-3 मिनट की बात के बाद बात चली, वो बोले ऐसे कुछ भी गोजी, हमें ना अब ऐसा फील होता है जो हमें मिलना चाहिए हमें मिला नहीं है, मतलब लाइफ के अंदर ना जो डिजर्व करते हैं अब अपना पोटेंशियल समझ आने लगा, हम किस लायक हैं, अब हमारे को जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, वो आजकल
बड़ा अजीबोगरीब है, ये बॉस बड़े कमीने, कंपनियां बड़ी गंदी है, फलाना ढिमकाना है। तो मैंने कहा ले कमाल है, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, अरे मुझे भी मोदी से मिलना चाहिए था, इस समय मेरे पास भी जो बिडेन होना चाहिए था भाई, इतनी बड़ी तोपू है यार, ये तो मिला ही नहीं। बोले ये क्या बाप, पता नहीं है क्या बात है, तो मजाक कर रहे हो बाप, हमारी पिटाई होने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल होगी। मैंने कहा अभी कुछ साल पहले तक तुम्हारे तोते उड़े थे, अब तुम्हारी चीजें भी हो रही है, तुम्हारा फलाना भी बन रहा है, ये भी बन गया, वो भी हो गया, काफी कुछ अच्छा हो गया, अब जाके तुम्हारे को ये आंखें खुलने लगी हैं कि हमें तो और मिलना चाहिए था, हम तो जो मिल रहा है डिजर्व, इससे तो ज्यादा डिजर्व करते हैं। अरे ईश्वर ने इतना दे डाला, लेकिन अब तुम्हें और का पागलपन, ये रजोगुण पागलपन में ले आता है, और इंसान ब्रेक लगाना भूल जाता है, यहां तमस थोड़ी सी चाहिए, ब्रेक लगाना भूल जाता है कि काफी है यार, चलो हले हले चलो। जैसे ही अहंकार आएगा, अहंकार तमोगुण और रजोगुण के बीच की एक सीढ़ी है, जैसे ही अहंकार आएगा भोगते हुए जीवन में, उसी टाइम तमस नीचे खींच लेती है, ग्रेविटी चुंबक, और जैसे खींचेगी पटक के मारेगी। क्या है तमस? गहराई, अंधकार। आपकी नॉर्मल चलती जॉब में भी आपकी शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी, शत्रु पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और आप खून के आंसू रोओगे, और ऊपर से नीचे फेंक के मारता है। इसलिए आपके पास अहंकार आया और आपकी पिटाई शुरू, तो करना क्या है? ठीक तो है, बढ़िया है यार, खुश होगी नहीं हो, सुखी होगी नहीं हो, नहीं हम वहां पहुंच के सुखी होंगे। अगर आप यहां से चले हो ये वाली नाक और कान लेकर के, तो वहां पहुंच के भी यही वाले कान और नाक होने चाहिए। अगर आप यहां से खुश हो तो वहां भी खुशी पहुंचोगे। आप यहां अगर दुखी हो और सोच रहे हो वहां खुश होंगे, हो ही नहीं सकता, किसी हालत में ये संभव ही नहीं है, किसी हालत में संभव नहीं है। ये जो हमारी मानसिकता गिरती है ऊपर के लेवल से नीचे, इसको समझने के लिए छोटी सी कहानी लेते हैं। हम महाभारत काल से आज तक हमने कथाएं सुनी है और श्राप है कई, जिनके बारे में बड़ा प्रचलन रहा है। तो महाभारत काल में कुछ श्राप है जो अभी तक चले हुए हैं। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा अकेला बच गया, उसने पुत्र मार दिए सारे पांडवों के। अब मारने के पश्चात उसने पता लग गया कृष्ण जी को, अर्जुन वगैरह को, कि हमारे पुत्रों को मारा है, तो निकल लिए ढूंढने, उसको अश्वत्थामा मिल गया। वहां जब अश्वत्थामा मिला जंगल में, तो उससे पूछा गया तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैं मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। कृष्ण ने कहा ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, युद्ध हो चुका है और मेरी कसम थी प्रतिज्ञा के मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे को अब उकसाओ मत। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ऋषि व्यास के यहां था वो छुपा हुआ, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा तो ब्रह्मांड खत्म होने वाली बात होती है एक प्रकार से। उसको चलाता देख के कृष्ण ने अर्जुन को कहा भाई ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ, क्या करें, क्योंकि कोई इलाज नहीं, ये तो नष्ट कर देगा सब कुछ, ये तो पागल हुआ पड़ा है। तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो ऋषि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र रोके और बोले ऐसा मत करो, यदि ये टकराव हुआ तो तुम क्या पांडवों को नष्ट करने के चक्कर में चले हो, सारा ब्रह्मांड खत्म, सारी सृष्टि, सारी संरचना समाप्त हो जाएगी, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, वापस बुलाओ अपने अपने ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, और जब अश्वत्थामा से बोला गया, कहा जी मेरी बड़ी त्रुटि है, मेरे को बुलाना वापस नहीं आता, पिताजी ने सिखा तो दिया चलाना, लेकिन वापस बुलाना नहीं आता। और उसने अपनी कुटिल बुद्धि से उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ के राजा उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में उसको फेंक दिया, और उसमें परीक्षित था, जो परीक्षित बाद में जीवन दान कृष्ण के द्वारा दिया गया और उसको जीवन मिला। यानी वो समूल चाहता था कि पांडवों की लीनियज, उनका सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, आगे कोई संतान, कोई राजा बचे ही ना। तो उसने उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारा। तो कृष्ण ने उसको श्राप दिया कि तू ब्रह्मांड में जब तक जब धरती पर संसार में जीवन है तू भटकता रहेगा, और तेरे शरीर से मवाद पीप इतना बहेगा, बदबू आएगी, तू किसी से मिल नहीं सकता। तो ये एक श्राप चला, ये सारे श्राप तमस के हैं, ये तमस के लिए श्राप की बात है। दूसरा श्राप चला जी, एक मांडव्य ऋषि थे, उनको वहां के राजा ने सजा दे दी किसी बात के ऊपर कि इसको सूली पे टांग दिया जाए। अब सूली पे जब टांगा तो मांडव्य ऋषि थे मरे ही नहीं, कई दिन तक टंगे हुए वो मरे ही नहीं, मर के ही राजी नहीं। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा कोई ज्ञानी है और प्रभु की कृपा है इस पर, मेरे से पाप हुआ है। उन्होंने उसको नीचे उतरवाया सूली से और उसके चरण पकड़े, बोले जी मुझे क्षमा करो। बोले वो तो चलो बात की बात है, पहले मैं यमराज के पास जाऊं। वो यमराज के पास गए और बोले कि तुमने मुझे ये किस क्लेश का फल दिया है, ये क्यों मेरे साथ इतनी सजा हुई है, मैं इतना ब्रह्मज्ञानी हूं और मेरे साथ इतना बड़ा कष्ट कि मैं सूली पे टंगा हुआ हूं इतने दिनों से। बोले जी तुमने छोटी उम्र थी 12 साल की, उसमें कीड़े की पूंछ पे तुमने कांटे से चोट पहुंचाई थी बार 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 बहुत देर तक, तो उसका प्रतिफल मिलना था। तो उस ऋषि ने श्राप दिया यमराज को कि तुम्हें भी शूद्र के तौर पे धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि 12 साल के एक छोटे बच्चे को, अबोध बालक को, जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या करना है,
और तुमने उसे बिना विचारे बस फल देना शुरू कर दिया। तुम्हें इतना विचार होना बहुत जरूरी था कि उम्र के अनुसार इसको बुद्धि कितनी है। तुम यमराज हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हम सजा देते ना, एक भेड़ पीटी, दूसरी पीटी, तीसरी पीटी, सबको पीट दिया। हम अच्छे चरवाहे तब हैं जब हमें पता हो कि इस बच्चे को कितना डांटना है, एक ही बच्चे को कब कितना कितना डांटना है। ऐसे ऐसे बच्चे भी कई होते हैं राक्षस जैसे, जो बाप भाई माँ बहन सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, खूब कूटते हैं सबको। उनको पता होना चाहिए इससे कैसे व्यवहार करना, उससे कैसे व्यवहार करना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अर्जुन की तरह अस्त्र शस्त्र छोड़े हुए व्यक्ति हो, एक जैसा व्यवहार में लगे हुए, यानी कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप तमस में बुरी तरह फंसे हुए। वो यमराज का जन्म विदुर के तौर पर जन्म हुआ महाभारत काल के अंदर, और वो चूंकि यमराज था तो ज्ञानी बनना ही था उसने, लेकिन जन्म उसे लेना पड़ा, जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ा। उसके पश्चात हुआ कुंती का, जब कुंती को युद्ध स्थल पर रोते हुए देखा पांडवों ने कि ये काहे को रो रही है भाई कर्ण के लिए, तो कुंती ने बताया कि बड़ा भारी दुख की बात है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था और मेरे साथ शुरुआत में ऐसी ऐसी स्थिति रही कि सूर्य से पुत्र मांगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, मां हम तो युद्ध ही ना करते, पता होता बड़ा भाई है हमारा तो हमें क्या दिक्कत थी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो श्राप दिया युधिष्ठिर ने कि कोई भी स्त्री धरती पर अपने जीवन के अंदर पेट में बात नहीं रख पाएगी। ये श्रापों की बात आप समझ रहे हैं, जो स्त्री पेट में बात रखती है उसका पेट खराब होता है। तो जिस जिसका पेट खराब है घर में चेक कर लें और उससे कंफर्म करें तुम उसे छुपाते क्या हो तुम। और स्त्रियों का यह विशेष स्वभाव है, मेरा तो सब कुछ बल जाता है, मैंने तो सब कुछ बता दिया, वो मंजी पाइये थे आइये करे गल्ला गल्ला, वो जो बात होती है वही लेडीज की मजाक बने हुए हैं। हेलो फोन आया, अरे आज तो तुमने 20 मिनट में रख दिया, हाँ रॉन्ग नंबर था ना। तो उन्हें बातें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि वो पेट से बाहर निकालना आवश्यक है। इसीलिए स्त्री की एक समस्या है, वो पुरुष के लिए भी ये सोच बैठती है, तुझे भी पता होगा तू बता नहीं रहा, और पुरुष का कहता है कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा बताना क्या है। उसके लिए वो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। स्त्री कहती नहीं बताओ, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये शापित है। आप ये समझ लें, ये शापों की बात मजाक नहीं, हम छोटे छोटे शाप आए दिन देते रहते हैं और खुद को भी बहुत देते हैं, ये तमस है। अभी इस पर बात होगी डिटेल। वो मुंह थकने की वजह से पूछ लेती है, क्या भाई तुम भी बता दो। चलो इनको अपना एक्सपीरियंस होगा, सबका अपना अपना है, अपने अपने अनुसार होता है। जिस चीज की जो मुझे तेरी समझ है मैं वो उतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा चूंकि बड़ा जटिल होता है, कठिन हो जाता है, भाई बता नहीं सकते। उसके पश्चात श्राप है जी, एक श्राप मिला उर्वशी के द्वारा अर्जुन को। जब वो स्वर्ग लोक में दिव्यास्त्रों के लिए गया तो उसने कहा युद्ध करना है मुझे, कर्म करना है, कृष्ण ने बोला है भाई, और अब तुम अज्ञातवास भी आएगा। तो उर्वशी का दिल आ गया कि भाई मुझे तुमसे विवाह करना है। उसने कहा आप माता समान है, मैं विवाह नहीं कर सकता है, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो उर्वशी ने उसको श्राप दे दिया कि तुमने मेरे आग्रह को ठुकराया है, तो तुम नपुंसक की तरह हो, नपुंसक हो जाओगे। फिर इंद्र ने उसका कट शॉर्ट करके एक वर्ष का काल बनाया उसके लिए कि भाई एक ही वर्ष तुम्हारे को नपुंसकता रहेगी। और अज्ञातवास में जब कौरवों के द्वारा ढूंढा गया, बातचीत हुई, तो पता लगा ये नपुंसक है, तो उनकी पहचान गुप्त रही। ऐसे श्राप एक उत्तरा का पुत्र हुआ अभिमन्यु का बेटा, उसको जो कृष्ण ने जो जीवन दान दिया था वो अपने 36 वर्ष राज किया पांडवों ने, और फिर वो अपने स्वर्गारोहण के चले गए। तो परीक्षित के पास वो राजपाट थे, जो परीक्षित के राज में सब सुखी थे, लेकिन वही बात है कि मनुष्य के पास जब राजपाट आता है, सुख मिलता है, तो वो पागल हो जाता है, क्रोध आता है, अग्नि ऊपर की ओर उठती है। तो जब मनुष्य इतने अहंकार में आता है तो वो कहता मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं, एक्चुअली उसकी जो मनोदशा है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो नीचे की ओर गिरती है। अभी इसकी डिटेल करता हूँ, ये कहानियां इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र लगा था, उसके पश्चात वो बालक मर गया। और अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने पांडवों की लाइनेज ही खत्म कर दी, कोई बचेगा नहीं आगे। तो कृष्ण ने कहा इस बच्चे को मैं जन्म देता हूं, मैं जीवन दान देता हूं। तो कृष्ण ने उसको ऊर्जा दी अपने द्वारा, और उसकी ऊर्जा के द्वारा वो बालक को फिर पुनः सांस आई, वो जीवित हुआ, जन्म हुआ उसका। तो राजा परीक्षित एक बार जंगल में घूम रहे थे, तो शमिक नाम का एक ऋषि चुपचाप मौन व्रत लिए जंगल में कुटिया के बाहर बैठा था, और वो अपनी आराधना में था, उसको ध्यान ही नहीं कहां वो राम कृष्ण कौन सी लीला क्या ईश्वर के उसमें लगा हुआ था। और वहां पहुंच के राजा परीक्षित ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो सुने क्या, जवाब क्या दे, वो अपनी साधना में लीन है। तो परीक्षित को क्रोध आ गया, ये तमस है, क्रोध आ गया, और क्रोध में उसने एक मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों पता ही नहीं, हम जो जो काम कर रहे हैं क्यों पता ही नहीं, वो सब तमस के अंडर कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। बच्चे करते हैं ऐसा, 5 मिनट में गुस्सा करके कहते हैं सॉरी मम्मा गलती हो गई, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जब गले में सांप डाल दिया तो उसका बेटा आया बाद में, और वो भी ब्रह्मज्ञानी था, उसने देखा मेरे पिता के गले में सर्प है, तो उसने कह दिया जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा,
तक्षक सबसे विकराल और सबसे बड़ा जहरीला एनाकोंडा माना जाता है, ये मान के चलिए शास्त्रों के अनुसार। तो परीक्षित तक बात पहुंची, उसने कहा ये मुझसे क्या गलती हो गई। जब पिटाई होती है रजोगुण की, जो पागलपन में हो, उसके बाद सारे ज्ञानी हो जाते हैं, फिर सतोगुणवान हो जाता है अपने आप ही, सब में हो जाता है, ये चेतना सबकी है। और श्रृंगी ऋषि नाम था उसका, तो उसके पिता ने उसे बोला, बेटा वो मूर्खता पूर्ण वश कर गया, तू तो ब्रह्म ऋषि है, क्यों शाप दे बैठा। बोले पिताजी बड़ी भूल हो गई मेरी। बोले फिर किसका क्या निकलेगा निष्कर्ष, कुछ निकले भाई उसका, कोई तोड़ निकले। तो फिर सुखदेव जी के द्वारा भागवत सप्ताह, भागवत की महिमा है, बड़ी लंबी कहानी है, भागवत किया गया, फिर उनको मुक्ति मिली, काफी चीजें उसके अंदर, ये कहानियां कभी और चलेंगी। तो उसके पश्चात जैसे ही परीक्षित गुजरा, कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग राजा परीक्षित, ये कहानी कही जाती है कि कलयुग तब तक एक्टिवेट नहीं हो पाया क्योंकि राजा परीक्षित से वो डरता था, क्योंकि उसके ऊपर कृष्ण की कृपा थी। और ये कृष्ण जब मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बाद कलयुग आया, ये सब कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। हमारा मुख्य मुद्दा है तमस का। अब कलयुग का प्रवेश हुआ, कलयुग के प्रवेश को हम समझेंगे, कलयुग क्या होता है। कलयुग का एक्चुअल नाम है एकल युग, एकल सिंगल। जब सिंगल थॉट पे दिमाग चलता है, यानी कि जो भूत चढ़ गया वो चढ़ गया। ऐसे कई लोग होते हैं जो आगे खोपड़ी में कर डाला, कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं नहीं करना है, नहीं करना है, क्या करना, ओके लेट्स थिंक, वो इससे एक लेवल ऊपर होते हैं। जब डायमेंशन सिंगल होती है माइंड की, तो शूद्र की तरह हम जीवन जीते हैं, हमेशा ही तमस में पड़े रहते हैं, बेवकूफियां करते रहते हैं। ये एकल है, ये इसे कलयुग कहा जाएगा। कलयुग, कल कारखाना मशीन, यानी हम और ज्यादा चिज्जी पर जाने लगे। पहले तो हमारे अंदर मन है, जो मन आत्मा की कृपा से चलता है, इसके पास कोई काया नहीं है, ये शरीर को धारण करता है, इस शरीर में आके रहता है, ये शरीर एक चिज्जी है, इस चिज्जी के द्वारा हम और चिज्जियां बनाते हैं जिनका नाम मशीनें है, यानी हम मशीनों पर निर्धारित हो गए। हम अपने जीवन में जब भी कोई कार्य, कोई सुख, कोई भोग के लिए मशीन पर निर्धारित है, इसका मतलब हमारी बुद्धि एकल सिंगल ट्रैक पे चल रही है, ये टोटली प्योरली तमस है। ये तमस हमारे नीचे के हिस्से पर है, ये हमारा तमस पे चलता है, यानी हम नीचे के चक्कर पे हैं। ऐसे लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे बच्चे पैदा करते हैं, मरमराते खत्म। बहुत से लोगों का ऐसा जीवन है जिनका इससे ऊपर जीवन ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी ढंग से नहीं मिलता, वो तमस के और पाताल रसातल के लोग पर बैठे हुए, जिनको खाने सोने रहने के अभी कलेश, कुछ नहीं, सड़क पे पड़े। ऐसे कितने लोग आप देखते हैं जो सड़क पे पड़े हैं। एक शब्द कहा जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं, इसे पशु की तरह कहते हैं, पशु जीवन जी रहे हैं। तमस का ऐसा पशु चक्र का जीवन है कि ऐसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते। तो कई ऐसे कातिल, ऐसे खतरनाक मूर्ख लोग होते हैं, तो कहते हैं ना सरकार को गोली से मार देना चाहिए इनको, वो उसी लायक है। यानी कि वो तमस इतनी ज्यादा लिए बैठे हैं, इतनी डार्कनेस लिए बैठे हैं, इतनी नेगेटिविटी लिए बैठे हैं कि वो खुद को नष्ट नहीं करेंगे, जब करेंगे वो आपको नष्ट करेंगे। पहले खुद तो नष्ट होने का डर है ही नहीं, तो जिस व्यक्ति को खुद के नष्ट होने का डर ही नहीं, उस व्यक्ति से हाथ जोड़ के दूरी रखो। हाँ जी, कलयुग में इसकी रोशनी ज्यादा होती है तमस की, बराबर ही रहती है। ये कह रहे हैं कि कलयुग में ज्यादा शक्ति रहती है तमस की या बराबर रहती है, इसको पहले समझ लीजिए, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, ये कलयुग के ठीक ऊपर कार्यक्रम आगे चलता है हमारा द्वापर का। द्वापर मीन्स दो डायमेंशन, इसके ऊपर चलता है त्रेता, इसके ऊपर चलता है सतयुग। अब हमारे अंदर जो तमस है, इसके ठीक अगला गुण है हमारा रजस, यानी कि भोग। भोगना है यार, जिंदगी को अच्छे से भोगेंगे भाई, ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, कितनी करेंगे। ये हो गया भोग का, ये हो गया हमारा रजस, रजोगुण। पैर के इतने हिस्से पे निचला पूरा पेल्विक एरिया ये तमस है, रजोगुण हमारा यहां तक है, ये पूरा रजोगुण है, भोग के लिए बना है, सब भोग यही है। खाया, पिया, पार्टी करी, रिलेशन बनाए, कुछ किया, मस्ती करी, ये रजोगुण। और इसके ठीक ऊपर आता है सतोगुण, सतोगुण ये खोपड़ी में है। जब रजोगुण तमस से ड्रिवन होता है, तमस प्योर हो गया, वो कलयुग हो गया, जब रजोगुण तमस से चलता है, यानी पागल हो रखे हैं, पागल, तमस मींस कुछ नहीं करना, एक्सीलेटर दबाए तो दबाई रखा है, पागल हो रहे हैं, प्रॉपर्टी चाहिए तो अंधाधुंधी चाहिए, नोट चाहिए तो अंति नहीं होता और चाहिए अंधाधुंध। जब हम ऐसी तमस में होते हैं कि रुका नहीं जाता, कई लोग होते हैं क्रोध आता है, पागल हो जाते हैं, जब तक पीट ना लेना दूसरे को, रुका नहीं जाता उनसे। ये आपका कलयुग, ये द्वापर, ये रजोगुण तमोगुण मिक्स एक साथ। जब प्योरली हम ये बात कर रहे हैं कि ये रजोगुण दोनों में चलता है, जब ये रजोगुण प्योरली चल रहा है, ये त्रेता का हिसाब किताब हो गया, त्रेता द्वापर के बीच फ्लक्चुएशन। जब रजोगुण सतोगुण से ड्रिवन है तो ये त्रेता है, जब रजोगुण तमस से ड्रिवन है तो द्वापर है, तमस प्योरली है तो कलयुग है, सतोगुण है तो सतयुग है। यानी आपके जीवन में सतयुग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, संतुष्ट है आप,
आपको पैसा दिख रहा है फालतू, आप कह रहे हैं काफी है यार, बतेरा है चतुर्थ की सोच के हिसाब से एक है, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण, एक है तुरीय। तो जो व्यक्ति इन स्यापों से अच्छी बात, गंदी बात, बुरी बात, फलानी बात से ऊपर उठ जाता है, वो तुरीय के स्टेज पर पहुंच गया। और जब वो स्टेज पर पहुंच गया वो दृष्टा हो गया, इसे साक्षी भाव कहते हैं। हमारा साक्षी भाव तमस पर कभी ऑन हो ही नहीं सकता, इसलिए हम होश में होते ही नहीं, हम बेहोशी में ही काम करते हैं सारे टाइम, गाली गलौज, लड़ना भिड़ना, किसी ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, ये बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, उनके चार डायलॉग फिक्स होते हैं, मम्मी मुझे आता है मैं कर लूंगा, मुझे मत बताओ, मुझे पता है, ये चार डायलॉग होते हैं उन बच्चों। और उनके जीवन में तमस होती है, पड़े रहते हैं, माँ बाप गालियां बकते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पढ़ ले बेटा, उठ जा बेटा, कर ले बच्चे, कहीं तो कुछ बनना अपनी लाइफ, वो कुछ नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो 40 साल 50 साल की उम्र में सड़कें भरी पड़ी हैं, चाहे रिक्शे चला रहे हैं, चाहे धक्के खा रहे हैं, चाहे बसों के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके जीवन में 15-20 साल की उम्र के बीच इतना तमोगुण स्ट्रांग होता है कि कुछ करके राजी नहीं, कुछ करके राजी नहीं, लड़ना है, भिड़ना है, चोरी करनी है, इधर के पर्स से पैसे निकाल लिए, दोस्तों के साथ बैठ लिए, पढ़ लिए, कुछ कोई उसे कुछ बोले नहीं, मेरी मर्जी। और उसके बाद पढ़े हुए, पढ़ने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, भविष्य का कोई सोच नहीं है, खोपड़ी क्या है, डार्क, अंधकार, काला, कोई समझाए तो उसे गालियां, वो 40-50 साल के एज में धक्के खा रहे होते हैं सड़क पे, आज दुनिया भरी पड़ी है। ऐसे लोग हैं जो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि किसी नेगेटिविटी से, पर वो ऐसा क्यों बना है एक आदमी के 40-50 साल का है और वो धक्के खा रहा है या पैदल चल रहा है, उसके पास बस के टिकट के पैसे नहीं है, क्यों है ऐसा? और फिर हम कहते हैं एक अमीर आदमी आता है, वो कहता है उसकी बुद्धि देखो, वो भी तमस पे जा रहा है, दया आती है ऐसे लोगों पे यार, इनका कुछ भला करें। आप भला नहीं कर रहे, अपने कोटे में से उठा के उन्हें दे रहे हो, आपको सफरिंग आएगी। उन लोगों ने अपने आप अकर्मण्यता की कर्म किया ही नहीं, जो कर्म करके ही राजी नहीं, वो कलयुग पर है, एक डायमेंशन चल रही है उसकी, सिर्फ एक, और वो लाइफ में उठ नहीं पाएगा। एक गियर, पहले गियर पे गाड़ी चलती है, पहले गियर पे गाड़ी चलती है भयंकर तेल पीती है, कभी भी स्पीड नहीं आ पाएगी आपकी। अगर आपकी लाइफ में स्पीड नहीं है, बहुत ज्यादा तेल निकल रहा है, टाइम बहुत लग रहा है और प्राप्ति हो नहीं रही, आपका जीवन में कलयुग चल रहा है, आप रो के पिट के कर रहे हो, क्या करना है? यहाँ आशीर्वाद रहता है, आशीर्वाद कमाना है, आशीर्वाद नहीं चाहिए, सुननी तो है नहीं किसी की, कोई बोल के तो दिखाए, भाड़ में जाए, बिना गुरु के, बिना आशीर्वाद के जो व्यक्ति धक्के खा रहा है, रो रहा है, पिट रहा है, वो कलयुग में जी रहा है। उसके शरीर की बैंड बजेगी, उसके रिश्तों की बैंड बजेगी, उसके स्वभाव का सत्यानाश होगा, सारे टाइम दुखी रहेगा। और इससे थोड़ा सा ऊपर जो उठा है वो रजोगुण तमस, थोड़ा भोग लेता है, लेकिन भोग में पागल है, सारे टाइम अहंकार है, भय 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 जवान चलती है, ईर्ष्या होती है, दूसरे से कंपैरिजन होता है, अपना छोड़ दूसरे के धन पे नजर होती है, हर समय अपने आप को ऐसे लोग शीशे के आगे खड़ा देखते हैं, मुझसे हसीन कौन है, वो कभी भी अपने आप को सुंदर खूबसूरत नहीं लगते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जो एंडलेस पागलपन की स्थिति बन जाती है, इसमें नष्ट होता ही है मनुष्य, दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं ऐसे लोग, सुन समझ मेरे हिसाब से चल, लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, दूसरे को समझा तो सकते नहीं, समझ में आती नहीं। ये तीसरे हैं जो इसके ऊपर चले गए, रजोगुण सतोगुण से ड्रिवन, त्रेता, बता दिया समझ लेगा, 10 में से 5 समझ भी लेते हैं, कुछ ले लिया, कुछ बन गया, शेयर भी कर लिया। यहां कहता है, ये तो कहता है मुझे तू अपना ही दे जा, ये कहता है ऐसा है मुझे पहले चाहिए, तेरी ऐसी ऐसी बच्चा देंगे नहीं देंगे, ये कहता तू भी ले ले, छोटे बच्चे होते हैं, कितना प्यारा होता है, सतगुण होता है बच्चों में, उसको 2 टॉफी दो, कहते हैं एक आपकी, आप भी तो खाओ। वो जोक बना हुआ है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था बस स्टॉप पे, उसके पास एक बच्चा आया अपनी बहन के साथ पेन देने, बाबूजी पेन ले लो, बोले बेटा पेन नहीं चाहिए, बोले बाबूजी ले लो 10 रुपए का एक है, बोले बेटा मुझे चाहिए नहीं, बोले बाबूजी फिर हम खाएंगे क्या, बोले क्या मतलब, बाबूजी आप पैसे दोगे तो हम कुछ खरीद के खाएंगे ना, बोले अरे बेटा यार क्या बात कर रही, 2 बिस्कुट के पैकेट निकाले अपने बैग में से, बोले बच्चे ये खाओ क्या दिक्कत है, बोले एक तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे लिए, बोले तो बाबूजी हम 2 बिस्किट का क्या करेंगे पैकेट, एक आप रख लो, बोले नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं दोनों तुम्हारे, बोले फिर आप क्या खाएंगे। ये देखिए क्या गुण है, ये सतोगुण है, इतनी मासूमियत है कि बांटना आता है, कि आपको बांटना आता है, आप ऊपर के चक्र पे हो, अगर आप बांट सकते हो, आप प्रभु के पास हो, ये तुरीय है, यहां ऊपर की ओर जा रहे हो, जो लोग यहां बैठे हैं ना वो है धरती पे अरबपति। अरबपति बने कैसे यार, साले ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते, बने कैसे, कैसे है यार उनके जीवन में सारे सुख, कहा जाता है मिट्टी में हाथ लगाया सोना बन गया, करते क्या है यार वो लोग, उनकी भगवान सुनता कैसे, साला जेल में लेके घूमते हैं क्या भगवान को, वो यहां है, वो तुरीय के बहुत नजदीक है। वो कैसे लोग हैं, वो जो करते हैं वो दिखावे का ड्रामा करते हैं कि वो लालची हैं, वो कमीने हैं, वो सब ड्रामेबाज हैं,
क्योंकि वो कृष्ण कला जानते हैं। कृष्ण क्या था, कृष्ण हो जाना क्या है, टॉप। हाँ जी, अभी आपने कहा कि ऐसे किसी को हम कुछ देते हैं तो अपनी एनर्जी देते हैं वो हमें भोगनी पड़ेगी, और दूसरा आपने दूसरी बात आपने कही कि वो ऊपर के लेवल पर होता है जो बांट रहा है। बड़ी मजेदार बात और बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अभी कहा भाई हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके साथ खरीद डाला हमने उसका दुख, और दूसरे में कहा कि यार दूसरे को दे रहे हैं तो हम ऊपर सतोगुण की ओर है। आप जब दूसरे को दे रहे हो कह के हाय इसका भला होगा, हाय बेचारा, तो आप में दया भाव है, करुणा भाव है, वो ड्रामेबाजी है। अगर आपके जैसे उदाहरण की बात, आप और मैं हैं और रोज का 100 रुपया कमाते हैं तो मुझे आप पे एक धेले की दया नहीं आएगी, आपको मुझ पे एक धेले की दया नहीं आएगी। अब जो 10 रुपया कमाता उस पर हमें दया आ जाएगी, अब उसके लिए हम भगवान हो गए, और हम 1000 रुपये कमाने वाले से जलेंगे, तो ये दया काहे की, ये दया कंपैरिजन। एक छोटे बच्चे ने जब कहा बाबूजी आप क्या खाओगे, आप भी खा लो, या उस आदमी ने कहा तुम खा लो, उसने तो बड़ी करुणा रखी, यार बच्चे हैं बेचारे अब कौन पहन ले इनसे, क्या करेंगे, और बच्चे ने क्या कहा, कोई नहीं बाबूजी आप क्या खाओगे, तो क्या किया, ये सतोगुण ऊपर के चक्र पे है। उस बच्चे ने ना कुछ खरीदना है ना उसने कोई दया की, उसने स्वाभाविक बात की, शेयरिंग, वो शेयरिंग है, एक है देना एक शेयरिंग है, वो शेयर किया। आप शेयर करते हैं, हम लोग कितने लोग हैं जो शेयर करते हैं, हम शेयर करने में भी ढूंढते हैं यार किसको दिया किसको नहीं दिया, और देते ही फीलिंग ले आते हैं, ये तमस ड्रिवन होता है, भला किया है किसी का, भला किया है, 1-0 का स्कोर हो गया आज मैंने एक बंदे का भला किया, ये जो फीलिंग है ये रसातल में ले जाती है हमें। यानी बांटते हुए नहीं देखना कि उसको जरूरत है या नहीं है, या कहां दे रहे हैं कहां दे रहे हैं। बहुत प्यारी बात है कि बांटते हुए ये नहीं देखना कि किसी को जरूरत है कि नहीं है, ये जो बुद्धि का विचार है ना ये होना बहुत जरूरी है। आप में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, आपको ये अहंकार ना आ जाए करने के बाद कि मैंने बड़ा भला किया। लंगर में कोई लेना देना नहीं कौन बैठा है, सारी एक पंगत में लाइन से बिठाते हैं, बोले आ जाओ खाओ, और खाने वाला ये नहीं कहता है ये तो खीर पूड़ी है ही नहीं, ये तो सादी रोटी खिला रहे हैं दाल के साथ, दाल फुलका। वो भाव आ गया मन में। आपने शादी में देखे होंगे लोग ऐसे होते हैं जाते हैं, 1000 आदमी आता है शादी में, खूब खाना खाते हैं, उसमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो 4 लोगों को वो पनीर क्यों नहीं पचा, पनीर तो सबने खाया, 4 को क्यों नहीं पचा, ये वो तमोगुण का पेट लिए बैठे हैं जिनकी नकार है, ईर्षा है, क्लेश है, द्वेष है, कहीं ना कहीं कुछ अंधकार है जीवन में, वो पेट में पचता ही नहीं, वो पेट फट जाता है, वो पेट कहता नहीं ये न चलेगा हमसे। आपके कर्म जो भी आप कर रहे हैं वो ड्रिवन होने चाहिए शेयरिंग से, और जब आप ऊपर के चक्र पे आपको कोई लेना देना ही नहीं, जीवन एक लीला लगती है, आपके कष्ट खत्म हो जाते हैं, शरीर के दुख खत्म, आपको सब कुछ मिलता, कैसी मजेदार बात है, एक आदमी अरबपति बन गया, उसमें ऊपर वाले का हाथ ना हो, अरे इतनी तो मेहनत नहीं कर सकता कोई कि मैंने बड़ी मेहनत करी। ये जो नीचे बैठे हैं सब मेहनत कर रहे होते हैं और सेल्फ इंप्रेस्ड होते हैं पूरी तरह, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत तैयारी की पेपर की, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत सच्चा इंसान हूं। सच्चे इंसान धक्के खा रहे होते हैं, सच्चे इंसान जो होते हैं ना वो यहां बैठे हैं, वो सब कंगले होते हैं, फिर उनको माया में नहीं पड़ना चाहिए। संत कबीर को अमीर क्यों नहीं बनाया प्रकृति ने, कृष्ण जी जैसा हो या तो जिसे लिफ्ट लगानी आती हो, कभी नीचे गए कभी ऊपर गए, अपनी मर्जी से कॉन्शियसनेस को ऊपर से नीचे तक दौड़ाते रहे, थोड़ा सा नमक भी है थोड़ा सा मीठा भी है, आपको ठीक कौन करता जब तबियत खराब हो, ORS का घोल, थोड़ा सा खट्टा भी है थोड़ा सा नमकीन भी है थोड़ा मीठा भी है, सारे टेस्ट का नाश पीट दिया नहीं, सब कुछ है, आप में सारे गुण मिश्रित होने चाहिए, आप रॉकेट बन जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं यार ये बंदा है तो बहुत रिच पर साला कमीना है, यानी रिच है और कमीना है नहीं, अरे वो कमीना है इसलिए रिच है। उल्टा सोचो, आपके जीवन में आपने इन तीनों गुणों का समावेश प्रॉपर नहीं किया, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीनों चाहिए, नहीं हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ लड़ ही रहे, दया कर रहे तो डर रहे, दया कर रहे। ऐसे लोग हैं जो कई बार कहते हैं छोड़ो यार मैंने तो अपने पति को कहना ही छोड़ दिया है, नो आउट ऑफ कंट्रोल गया, अब ना संभलेगा वो। आपको तीनों गुण चाहिए, तमस कैसी चाहिए कितनी चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये इनर्शिया है, ये लाइफ में चीज को रोकता है, कहां रोकता है कैसे रोकता है, ये रोकना आना चाहिए। हम पार्टी कर रहे हैं रोज दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हमें रोकना नहीं आता, खुद को धक्के खाएंगे बस के पीछे 40-50 की एज में, यही काम रह जाएगा जीवन में। हाँ जी सर, क्योंकि कहीं जैसे आप गुस्से की बात कर रहे थे, कई बार ऐसा गुस्सा आता है कि सामने वाले को पीट दो, और कई बार गुस्सा उतना ही आता है मगर वो ऐसा होता है लंबी सांस लेके छोड़ दे मरने के, तो आर वी फ्लक्चुएटिंग अमंग दीस थ्री या फिर हम एक बारी में एक ही स्टेज पे होते हैं। इन्होंने बड़ी मजेदार बात की है कि भाई कई बार गुस्सा आता है कि दूसरे को पीट ही दें और हम पीट देते हैं, और कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन एक लंबी सांस ली, गुस्सा रोक दिया। ये प्रकृति का नियम है, श्वास जो है हमारे शरीर का श्वास वो अपने आप ऐसे ही चलता है। मान लो आप में बहुत तमोगुण भर गया है,
तो आप ना अपने जीवन के अंदर भय में होंगे, क्लेश में होंगे, क्रोध में होंगे, तनाव में होंगे, कोई ना कोई ऐसा शुरुआत भय से होती है, भय से आरंभ होगा, शुरुआत भय से होगी। आपको किसी ना किसी हालत में ऐसा कोई षड विकार चल रहा है तो आपका यह हिस्सा भरा हुआ है, तो आप लंबी सांस कभी लोगे ही नहीं। क्रोध में कोई लंबी सांस नहीं ले सकता। अगर आपको लंबी सांस लेनी आती है, प्राणायाम के द्वारा अभ्यास किया हुआ है, आनापान सति की क्रिया बुद्ध बताते थे, उसमें से भी है विपासना, उसी पे बेस्ड है कि अपनी ब्रेथ को देखो कहां जा रहा सांस, बस ये सांस अंदर गया, ये सांस बाहर गया, इस हिस्से पे ध्यान दो, ये सांस टकराया अंदर गया, ये सांस बाहर गया। जब आपने सांस पे ध्यान दिया है तो सांस के द्वारा जो विचार षड विकार आने हैं वो आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि मुन्ना कह रहा मुझे कोई देख रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्लास की हुई हमने, क्वांटम जीनो इफेक्ट, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये ऑटोमेटिक कर रखा है। जिसको करना आ गया वो एलन मस्क बन गया, वो ज़करबर्ग बन गया, और जिसको करना नहीं आता उसका ऑटोमेटिकली हो रहा है, उन सब पे वो राज कर रहे हैं। पशु चक्र पे पड़े हुए लोग, उनके ऊपर राज कौन कर रहा है? राज वो कर रहा है जो कमीना है। तो कमीना कैसे बनोगे, किस लेवल के कमीने हो, वो सोचना है। उस लेवल के पशु आपके अंडर होंगे हमेशा। तो आपकी श्वास के दौरान, जब सांस लिया यहां नीचे आ गया, सांस है क्या, सांस है क्या एक्चुअली, आपको पता क्या, ये झाड़ू लगती है ना घर में, झाड़ू कैसे लगता है, अबे पंखा चल रहा है, हवा क्या कर रहा है, ऊपर पंखा चलता है नीचे पे भी सोता है, क्या कर रहा है, पंखा घुमा रहा है, साफ कर रहा है, हवा को उड़ा रहा है, एसी क्या कर रहा है, हवा को क्लींजिंग कर रहा है, ये सांस क्या करेगा, ये भी ये करेगा, ये झाड़ू अंदर गई, ये झाड़ू बाहर है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है अंदर, ठीक है। इतनी देर के अंदर दिल ने इसमें से ऑक्सीजन भी खींच ली, फेफड़ों की प्लेन क्लीनिंग हो गई, वो अपना सिस्टम अलग चल रहा है, लेकिन ये सांस कर क्या रही है एक्चुअली, ये प्राणमय कोश मनोमय कोश के द्वारा पंपिंग कर रहा है, ये अपने नाभि तक ले लिया, ऐसा फ्लश हो गया, तमस की गई ऐसी की तैसी, तमस वमस कुछ नहीं। अगर आप बहुत क्लेश में हैं, बहुत झंझट में, आपका ये भरा हुआ है, आप गुस्से में ऐसे सांस लेते हैं छोटी छोटी सांस, आप रो रहे हैं ना, तो आप यहां तक भरे हुए हैं, आप इतना से सांस लोगे, मरी जाए कैसे मरे पता नहीं, मर के दिखाओ, देखो बात कर रहे थे अभी नहीं, देखो रोगे कैसे रोते हैं, रोते हैं? इतना सा सांस चलता है, इतना सा भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। और जिसका ये भरा ही नहीं, जिसने सांस पूरा लिया, उसके अंदर तमस छूमंतर, कितनी तमस जितनी चाहिए, कितना क्रोध जितना चाहिए आत्मरक्षा का, कितनी कमीनगी जितनी चाहिए, कितना राक्षसी प्रवृत्ति जिससे दूसरे का घाटा ना हो और मुझे उतना फायदा हो जाए जो मेरे जीवन के लिए काफी है, ये सतोगुण है। या आप ऊपर की तरफ है, हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम भय में रहते हैं। एक पति पत्नी है, जीवन काट रहे, डरे पति और पत्नी का, दोनों का चलता है, मूड देख के बात करेंगे, शकल देख रहे हैं कैसा है, डरे हुए हैं, डर के बात हो रही है पत्नी से, डर के हो रही है उसका मूड, कैसा शकल इसने कैसी बना रखी है, कलेश तो नहीं करेगी, लड़ेगी तो नहीं, पत्नी को देख रही है मूड, हाय नाराज ना हो जाए, हाय नाराज ना हो जाए, हाय 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 नाराज ना हो जाए, बहनें आपस में कहीं जा रही है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बॉस के साथ बात, डरे हुए बात करने वाला व्यक्ति सारे टाइम का नीचे के चक्कर पे तमस में, क्या होगा, डार्कनेस लाइफ, काली अंधकार, कुछ नजर ना आएगा, पेपर देने जा रहे हैं, डरे हुए पढ़ते हुए, डरे हुए पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं फेल होंगे, गारंटेड फेल, मैं लिख के देता हूं बच्चों को, डरा हुआ बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, डरा हुआ है, बुरी तरह डरा हुआ है। हमारी सबसे बड़ी खूबी, हम भगवान से डरे हुए हैं, 24 घंटे पागलपन है हमारे अंदर, हे भगवान से डरे हुए, हे भगवान तेरे से डरे हुए। भगवान से क्यों डरे हुए हो आप, एक्चुअली डर के चक्कर में रह रहे हो, हाय पाप कर दिया, करना भी है, और किताब में लिखा हुआ है, खोपड़ी में संस्कार वश पता भी है, पाप हो रहा है और करना भी है, और उसके बाद डरना भी है। आप हो कहां, आप नीचे के चक्कर पे तो हो, आप 24 घंटे तमस में रहोगे, पता नहीं यार पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जीवन बड़ा विचित्र है, बड़ी हैरानी की बात है, आप पे बहुत पैसा है फिर भी आप दुखी हो, आपके बच्चे हैं फिर भी आप दुखी हो, आपके बच्चे नहीं है फिर आप दुखी हो, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी शादी हो रही है फिर भी आप दुखी हो, सारे टाइम साला क्लेश क्यों है, काम चल रहा है बहुत बढ़िया फिर भी दुखी हो, नई गाड़ी खरीदी फिर भी दुखी हो, क्यों है, क्योंकि डार्कनेस है, आप नीचे के चक्कर पे रहते हो, आप भय में रहते हो, पता नहीं यार काम मिलेगा नहीं मिलेगा, देखेंगे यार पता नहीं, ईश्वर की मर्जी मिल जाएगा नहीं मिलेगा, आप ऊपर के चक्कर पे हो, आप तमस में हो, आपकी तमस इनर्शिया, इनर्शिया हमारी बॉडी का सिस्टम है जो हर चीज को रोक देता है, आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपके लोग होते हैं बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, पति पत्नी की रिपोर्टें बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कहता है कुछ भी गड़बड़ नहीं है, रिपोर्ट सौंप के बच्चे नहीं हो रहे, तमस है उसने रोक रखा है, रोक के रखेगी तमस, हर चीज रोक के रखेगी, अनावश्यक भाई साहब डील हो रही है मेरी, कल डील हो जाएगी 90% होगा, 100 हो नहीं रही, क्यों, तमस है। आपको अपने अंदर से डार्कनेस हटानी है, डार्कनेस आपके जीवन में, तो आप क्या होगा, सबसे पहला थॉट समझ नहीं आ रहा क्या होगा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या,
सर ऐसे अंधकार में होंगे, रोज लूटे पिटे से चल रहे होंगे, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, आपके नेचर में होगा ये। सर जैसे चलती हुई चीज को तमस थोड़ा रोकती है, ऐसे रुकी हुई चीज को चलाने के लिए भी थोड़ी तमस को हट मतलब तमस ही लगती है। रुकी चीज को हटाने के लिए बहुत जोर लगता है, कर्म लगता है। अर्जुन को 700 श्लोक लगते हैं कृष्ण के, वो रुका ही हुआ, वो हिलेगा ही नहीं पट्टा, उसे दे डंडा मार मार हिल हिल हिल, नहीं तो दुर्योधन जैसे कि मैं रुका ही हुआ हूं, मैं तो इसी पे रुका हूं, मैं तो राज करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं मार दूंगा, उसकी खुद की मौत होती है, या डार्कनेस मिलेगी या डेथ। बहुत जोर लगता है सर, वो जोर पहले गियर का जोर, पहले गियर का जोर, तो उसमें मतलब बॉडी से क्या करें फिर, ड्राइवर से करने पड़ेंगे ना, ड्राइवर चाहिए, ये रहा ड्राइवर, कृष्ण चाहिए, तभी तो एक गुरु का स्यापा है, या तो खुद बन लो, नहीं तो कोई किराए पे रख लो, 700 श्लोक लगवा लो कृष्ण से, लेकिन महाभारत करा देगा और जीता। बेसिक डिफरेंस तो उनमें था ना, अर्जुन में और दुर्योधन में, क्योंकि वो ड्राइवर तो दोनों का जीवन बढ़िया कर सकता था, लेकिन अर्जुन का ही कर पाया, दुर्योधन का नहीं कर पाया, जबकि तमस दोनों की थी। ड्राइवर दुर्योधन का कर पाया नहीं, ड्राइवर ने चूज ही नहीं किया दुर्योधन को, वो गुरु है, वो अपनी मर्जी से चूज करेगा, कुछ एक चीज तो है ना जो चूज करवाने के लिए हेल्प करती है, तुरीय की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है, एलन मस्क को चुनेगा, तो अर्जुन ज़करबर्ग को चुनेगा, वो क्यों चुनेगा, तुम्हें सुपात्र बनना पड़ेगा, तुम्हें शिष्यत्व चाहिए, तुम इस लायक हो कि मैं सरेंडर करूं, व्हाट एवर यू से आई विल डू, जो कह दिया वो करूंगा। पर तमस में उस समय कहां से आएगा सरेंडर से, तो 700 श्लोक लगते तो हैं, लेकिन तमस में सरेंडर 700 श्लोक काम कर गए एक के लिए शायद, तो गुरु जानता है ना कि गुरु जानता है ना, तो कृष्ण जानता है किसको श्लोक बकने से क्या होगा, नहीं तो कृष्ण ने दुर्योधन को ना गोद ले लेता। मैं वो बेसिक डिफरेंस पूछना चाह रहा था बस कि, तो कृष्ण ने जाके दुर्योधन को कहा था कि भैया मान जाओ, 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस ग्वाले को, तो कृष्ण ने कह दिया अब तू गया, अब तू देख तेरी तैयारी है, तू कब मरेगा तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, वो गया, मौत होगी। तमस के दोनों स्वरूप में डार्कनेस और डेथ है, उसके लिए बहुत जोर लगता है, इसलिए तुरीय चौथा सतोगुण कोई बहुत ऊंची तोप चाहिए। ये क्लास भी हमारा श्लोक ही है क्या, 700 ये श्लोक ही तो खेल रहे हैं हम जो क्लास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन के अंदर यही तो कुटाई रोज की कर रहे हैं कि अब जान लो, अच्छा अब मान लो, मेरे पास लोग आते हैं कहीं कहते हैं बहुत क्लासेस सुनी जी आपकी, बहुत क्लास सुनी, अब ये बताओ लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, सुना क्या है, 2-3 सुनी होती है फिर बात चलती है विस्तार में, उनका पक्का फिक्स डायलॉग है सबका, आपने सेम सी बात कही है सब में, वैसा कुछ डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, है वो सेम ही, तो वो अब आ गया समझ में, आगे बताओ, मैं आगे ही था ये जितना बताया था, अब इससे आगे कहां जाऊं। तो स्वयं को बदलने की इच्छा होना ये शिष्यत्व है। ये मैं बेसिक डिफरेंस जानना चाह रहा था कि क्या है, मतलब जो उस अर्जुन के पास था उसके पास नहीं था, वो तमस तो दोनों के पास थी, तमस तो है भाई, तमस तो आवश्यक है। हाँ अब कभी कभी जो संशय होता है किसी बात पे या उस पे, वो संशय हमारा अपने ऊपर है या क्या है, या अपना का वो खेल है। जब भी संशय होता है हमारा किसी भी बात पे, तो हम ईश्वर प्रकृति के नियमों के अनुसार जो धरती पे समाज में ब्रह्मांड में हमारा प्रारब्ध है, हमारा मुन्ना है, जो चलाना है, जो चलना है, उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो संदेह पैदा करता है, और वो पति हो पत्नी हो उनके बीच तो विशेष तौर पर क्लेश कराता है, संदेह बहुत बड़ा लफड़ा है, शक की सुई वहम की सुई ये पक्का घूमती है कि संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, और जो लिखा होना वही है, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है और पिटाई है, ऐसा क्यों नहीं किया वैसा, और ये करता क्या है, ये डार्कनेस ले आता है, अंधकार, समझ नहीं आता रिश्ते में आगे क्या होगा, अब प्रेम कहां गया, आपने जीवन के अंदर क्लेश क्रोध सारा कुछ क्लेश सब कुछ किया भय से, आपने अहंकार किया भय से, आपने क्रोध किया भय से, ईर्ष्या की भय से, आप नीचे के चक्कर पे आप पिटोगे, और यही सारा काम आप कर रहे हो बड़े प्रेम से, आप सफल होंगे, और यही सब काम आप षड विकार करोगे लीला समझ के, दुनिया फॉलो करेगी आपको। कृष्ण ने कितनी नीतियां करी, भयंकर नीतिवान थे कृष्ण, मार दो उड़ा दो पितामह को, ऐसे निपटा दो इसको, वैसे निपटा दो, कितनी इसको लीला शब्द दिया गया, ये क्या था, सारे षड विकार तो थे, लेकिन क्या भय था उसमें, कहीं नहीं था, भय पे रहते हैं, हमने भय पे नहीं रहना है, भगवान ये दे दे वो दे दे, हम भिखारी हैं, भिखारी क्यों नहीं देता भगवान हमें फिर, क्योंकि हम भय डर के मारे मांग रहे हैं, भगवान जवाब दे दे प्लीज दे दे, आप डर के क्यों मांग रहे हो, आप अपने पापा से मम्मी से कैसे मांगते हो रोटी, कैसे मांगते हो मोटरसाइकिल, पापा मुझे मोटरसाइकिल दे दो प्लीज, आप आ रहा हूँ पापा दे दो प्लीज ना, ए फॉर एप्पल पापा, कहते हैं ठीक है तेरे 10th के रिजल्ट के बाद दे दूंगा, वो मिल जाती, बच्चा डर डर के चल रहा है, उसके जीवन में सफलता नहीं होती, वो अपने भाई से नफरत करने लगता है, आप भय के चक्र पे रहते हो सारे टाइम, हाय इससे लड़ाई ना हो जाए, हाय ये कुछ बोल ना दे, हाय इसका मूड खराब, आप डरे ही हुए 24 घंटे, आप कहते हो लड़ाई ना हो, टेंशन ना हो, झगड़ा ना हो, तो इसका क्या मतलब, हो जाए होनी लिखी होगी तो हो जाए,
नहीं होने लिखी ना हो, लेकिन हम नहीं डरेंगे। हमने आज से कसम खा ली, हम नीचे के चक्कर पर नहीं रहेंगे, अब हम डरेंगे नहीं। हम डरे जा रहे हैं, जब मंदिर जा रहे हैं, हे भगवान, हम शांति के दूत हैं, हे भगवान सबको शांति दे। अब हम बोल रहे हैं भगवान शांति दे, कहाँ है भगवान? भगवान है कहाँ यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। एक छोटा बच्चा दादाजी के कहने से मंदिर गया कि बेटा, दादाजी ने कहा आज मैं जा नहीं पाऊंगा, बच्चे तो हुआ, बच्चे को आदत थी, अब वो गया दादाजी के लिए मंदिर। वहां देखा पुजारी जी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे दादू नहीं आए? बोले आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने आया हूँ। तो इतने में श्लोक स्टार्ट हो गए, संस्कृत के जबरदस्त उच्चारण, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आरती चल रही है। बच्चे ने कहा, यार ये तो बहुत टफ है, वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, दादाजी होते तो कर लेते, मेरे को कैसे करूं। एक मिनट के विचार के बाद उसने कहना शुरू कर दिया, क ख ग घ च छ म। पंडित जी हंसने लगे, बोले अरे बेटा क्या कर रहे हो बच्चे? बोले बड़ी देर बोलता रहा, आधा घंटा लगा दिया। फिर उसने बोला, हाँ पंडित जी बोलो। बोले बेटा ऐसे थोड़ी भगवान सुनता है, हैं? तुम बेटा क ख ग कर रहे हो, ये मंत्र तो है ही नहीं बेटा, इसमें व्याकरण की शुद्धि नहीं है बेटा, इसमें श्लोक तो बना ही नहीं। तो बोले भगवान ऐसे नहीं सुनते। बोले कौन से भगवान? बोले देखो ये विराजमान है यहाँ। बोले ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये सुन लेते हैं, कान है। बोले बेटा भाव है इनके अंदर, ये जो ईश्वर है ये भाव में। बोले तो देखो जी मुझे तो इतना पता है, दादाजी ने बताया था सारे श्लोक जो होते हैं ना वो क ख ग से ही बने हैं, मैंने क ख ग के कह दी बात और 10 बार बोल दी और कह दिया हे भगवान जी इसमें से श्लोक के मंत्र खुद ही चुन लेना और मेरे दादू को ठीक कर दो। पंडित जी रो पड़े कि ये भाव जो है ये ट्रेवल करके गया है। कौन सा भाव है ट्रेवल करने वाला? प्रेम का, आदर का। वो ईश्वर तक ट्रेवल किया उस पत्थर की मूर्ति में और वो काम करता है। बाकी लोग क्या करते हैं? हे भगवान मेरे टेंडर पास करा दे, साली आज डील हो जाए। भिखारी भिखारी भीख मांग रहे हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। मैं ये जीवन की बड़ी विचित्र बात है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास आते ही वो है जो लुटे पिटे, जो जान ही गया वो मुझसे मिलके क्या करेगा। डॉक्टर के पास कौन आएगा स्वस्थ? वो आके यही रोना रोते हैं, हर महीने जाते हैं जी माता रानी के यहाँ। पहले तो चौड़ में सुनाते हैं, माता रानी के हर महीने जाते हैं, माता रानी पाल के रखी हुई है हमने, हमारी स्पेशल कॉल लगती है, हम तो बाबा के दरबार जाते हैं जी मंगलवार की मंगलवार, ये सब डायलॉग बाजी मार लेते हैं। 15 साल से जा रहे हैं तो मेरे पास क्या अचार डालने आयो? वो बहरा है तो सुन नहीं रहा, वो बहरा है भिखारियों की नहीं सुनेगा, तुम उसके योग्य ही नहीं हो। एक गुरु के पल्ले शिष्य पड़ गया, गुरु जी मुझे धावक बना दो, मुझे सबसे अच्छी मैराथन में दौड़ना है, गुरु उसका तिरस्कार करता रहा, क्यों? अरे तू इस लायक ही नहीं है, तू उस लायक तो बन, ईश्वर के लायक बनोगे तो सुनेगा। आप ईश्वर के किस लायक हो? आप ईश्वर के नीचे के चक्कर के लायक हो? यहाँ बिठा के रखेगा, जीवन काट देगा, रोटी पानी दे देगा, सांस दे देगा, खत्म। आप ऊपर हो और ऊपर हो, हाँ जी, तो नीचे भी सैटिस्फाइड रहना आना चाहिए। ये बड़ी प्यारी बात, नीचे सेटिस्फाई रहना आना चाहिए। जिसको सेटिस्फाई रहना आ गया वो नीचे रहा ही नहीं। मेरे को प्रेम नहीं करना आता, मैं क्या करूं? तो मैं जाऊं, मैं सेटिस्फाई। बड़ी मजे की बात, इन्होंने कहा प्रेम करना मुझे नहीं आता। आपको पता क्या प्रेम क्या होता है? जो आप कह रहे हो नहीं आता, पता ही नहीं है किसी को, नहीं पता। मजे की बात ये होता है, ये कब होता है? जब आप यहाँ के चक्कर पे होते हैं। आप प्रेम से कब टकराओगे? भाई कृष्ण को इतने लोग प्रेम करते हैं, क्यों? वो भगवान जी प्यारे मेरे पट्टे, वो पट्टा यही रहता था, वो रहता यही था, उससे प्रेम ही हो। छोटा बच्चा पैदा हो गया, गुची गुची, एक भी वर्ड समझ आता है? कोई तमीज की बात है? बच्चों कह रहे गुची गुची उल्लू उल्लू पीली बुल्लू गुल्लू, वो बच्चे को अगर पढ़ा लिखा हो कहेगा नहीं पागल के बच्चे क्या बोल रहा है तू? हम क्या बोल रहे हैं उससे? उसको कोई श्लोक समझ आ रहा है? प्रेम है, क्योंकि उसे शब्द पता ही नहीं, वो ईर्ष्या नहीं जानता, क्रोध नहीं, वो यहाँ के चक्र पे है, उसको देख के सला प्यार ही आता है, उसकी पॉट्टी उठा लेते हैं हम। हम लोग मल मूत्र त्यागते हैं, मल त्यागते हुए ब्रेन कितना शार्प है, तमस कितनी स्ट्रांग है, हमें अपने पॉटी से बदबू नहीं आती। आए ना आए हम नहीं कहते आसन छोड़ के भागो। ब्रेन इज ट्रेंड, अपने अवगुण हमें नहीं दिखेंगे। हमारे जीवन में कष्ट है, हम दुखी हैं, उसने मुझे दुखी किया, उसने मुझे दुखी किया, यही दिखेगा कि उसकी पॉटी से बदबू है, उसके में से स्मेल आई, उसके पसीना गंदा है, उसके मुंह से बास आती है, अपने में से नहीं आती। एक व्यक्ति को अपना अवगुण नजर नहीं आता है। पति पत्नी लड़ रहे हैं, ये वो गंदा वो बुरा, मेरा बॉस गंदा, मेरा काम गंदा, अरे कुछ कमी तुम में भी होगी। अगर आपने वो रियलाइज ही नहीं करी, पेपर ही इतना टफ था, हम तो सारी तैयारी करके गए थे, ये बातों का कोई सिर पैर थोड़ी है, नमक तो डाला था नमकीन ना हुआ, आपको डालना ना आया। आप जब ऊपर के चक्र पे होंगे आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। अब ऊपर के चक्र पे कैसे होना ये एक नई बात है। हाँ जी दादा, एक कंफ्यूजन आ गया है,
आपने पहले कहा कि तमस में वो आदमी है जो कि आदमी कुछ नहीं कर रहा, अक्षमता है उसके अंदर, वहीं पड़ा हुआ उसमें। अभी दूसरी आपने बात कही कि वो आदमी ऊपर के लेवल पे है जो सेटिस्फाइड है, जो उसमें नहीं भाग रहा और बने की चीज में नहीं भाग रहा, तो दोनों बातें फिर से कॉन्ट्रडिक्टरी हुई। जो आदमी कुछ भी करके राजी नहीं उन्होंने बोला है वो तमस में पड़ा हुआ है, और जो आदमी सेटिस्फाइड है वो नहीं, वो कर रहा है ना, कर्म कर रहा है लेकिन सेटिस्फाइड है वो, जो भी लेकिन आगे ना वो कर्म कर रहा है और जो कर्म का फल मिला खुश है, वो तमस रजोगुण ड्रिवन होगी या रजोगुण सतोगुण ड्रिवन होगा, लेकिन वो ऊपर के चक्र पे है। लेकिन वो भी आदमी ऐसा हो सकता है ना जो कि ठीक है कर्म कर रहा है लेकिन अपने उससे सेटिस्फाइड है, वो हो सकता है। मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, इनकी बात है कि वो अलग अलग किस्म के आदमी कैसे होंगे। जो व्यक्ति तमस पे है, बेड पे पड़ा है, कुछ नहीं लेता, उसको जब भूख लगती है वो कहता है मम्मी कुछ बना के गए हो क्या, कुछ और कर गए हो क्या, कोई कुछ नहीं करके गया, अब मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो वो उठ के ना मेहनत करके पैसे कमाएगा, ना उठ करके मेहनत करके गैस जलाएगा, वो बाजार जाएगा और चोरी करेगा, दोस्त ढूंढेगा ऐसा जिसके घर में खाना बना बनाया पड़ा है, वहां जाके खाना खाएगा और फिर उसको फिर लात मार के थूक के उस पर वापस आ जाएगा। वो बैंक जाएगा, चोरी करेगा, कहेगा इकट्ठे कर लूं एक ही कफे में। कौन मेहनत करे, रोज कौन उठे, रोज कौन काम पे जाए, एक ही बार में कर लूंगा। सर एक ऐसा भी होगा जैसे ओशन इलेवन में बैंक लूटने का भी सोचते हैं, मतलब तो कितनी समझदारी से बैंक लूटते हैं ओशन इलेवन में, वो कितना अकल चाहिए। वो उस तमस को लेकर कहां बैठे हैं, वो ऊपर चले गए हैं। तो जो मास्टर ब्लास्टर है, जो कतलेआम मचा रहे हैं, साइंटिस्ट है, वो ऊपर है, वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, वो समझदारी से कर्म कर रहे हैं। आपका कर्म अच्छा और बुरा नहीं है, आपका रिजल्ट अच्छा बुरा होता है। आपका रिजल्ट अगर अच्छा है, भाई कितनी चलाकी से कृष्ण ने मरवाए सारे, हमारे आराध्य देव ने लाइसेंस दिया है कि अच्छे काम करने के लिए, सही काम करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, धर्म स्थापना के लिए, पूर्ण रूपेण सारे दुनिया के भले के लिए अगर कोई चीज किसी भी रूप में करनी पड़ती है, साम दाम दंड भेद ऑल एक्सेप्टेबल, ये तो एक्सेप्टेबल है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये सत्य बात है। बट लव है कि नहीं है, वो प्रेम, प्रेम चाहिए। प्रेम ही तो नहीं जानते हम तो डरते हैं, हम डर के चक्र पे रहते हैं 24 घंटे 12 महीने, सारे टाइम डर डर के प्रार्थनाएं चल रही हैं, हे भगवान ठीक करियो सब। जब हम ये कहते हैं हे भगवान शांति देना, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस में क्या शांति है, दादाजी क्या सुनते हैं, चंगू मंगू पंगू क्लास में हुई है, पिंगू क्लास में दादाजी सुन रहे हैं शांति नहीं है। तथास्तु, शांति मांगने वाले के जीवन में कभी शांति नहीं होगी, क्योंकि वो फील ये कर रहा है, क ख ग घ घ फील अंदर ये कर रहा है कि शांति तो है ही, तभी तो मांग रहा हूं। जो ये फील कर रहा है शांति है, ठीक है, बढ़िया है, सब सफिशिएंट है, एनफ है, वो अपनी लाइफ के अंदर सुखी है। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, ये बात नहीं समझ आती। अमल करवाते हैं, बताओ, क्योंकि जब शांति नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, खाना दो, खाना नहीं है, अब तथास्तु करते रहे, खाना नहीं है, भाई भूख ही मार दो। बहुत सुंदर, इन्होंने बोला है कि ये दोनों बातें कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है, समझ नहीं आती कि जब हमारे को भूख लगी है तो हम खाना ही तो मांगेंगे, और खाना है नहीं तो खाना ही तो मांगेंगे। कॉस्मोस क्या करेगा, भाग्य क्या करेगा, प्रारब्ध क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, ये बात हो रही है। आप स्वाभाविक ही बात है कि भूख लगी तो खाना मांगोगे, ये तो नेचुरल है भाई। ये ज़करबर्ग को भूख लगेगी कि मोदी को भूख लगेगी कि मुझे लगेगी कि आपको लगेगी, आप भूख लगे पे खाना ही मांगोगे, ठीक हो गया। अब मजे की बात यह है कि वो खाना हम कैसे मांग रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कि एक बंदे के पास तो इतना खाना है कि पागल हो जाए, और एक ऐसा है कि वो भूखा मर रहा फिर भी मांग दोनों ही रहे, क्योंकि एक व्यक्ति इस तल पे बैठा है कि ठीक है मैंने रोना पिटना नहीं है, एक व्यक्ति इस तल पे बैठा है कि मैं रोना पिटना नहीं, भूख तो सबको लगेगी, कईयों की भूख लगने से पहले भोजन मिल जाता है, कईयों को भूख लगे पे भी नहीं मिलता, ये कौन करता है, ये दादाजी करते हैं। जो हमने दादाजी बोले हैं, जो हम तुरीय की क्लास में बात कर चुके हैं, जो हम कॉस्मोस की बात करते हैं, जो हमारे रेप्टाइल ब्रेन की बात करते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, कि प्रकृति कैसे किसी को ज्यादा दे देती है यार, और किसी को कुछ नहीं देती। आपके अंदर भजन क्या चल रहा है, अब ये दो वाला हो गए कि वाला एक कलेश करके रोटी मांग रहे, हाँ ये मेरा ये वाला है, अभी जो मैं कलेश करके मांग रहा हूँ, अब मुझे ये वाला बनना है, यस, कलेश नहीं करना और रोटी मांगना। हाँ, एक वाला वो है जो कलेश करके रोटी मांग रहा है, कॉस्मोस उसे पीटेगा, और एक वाला वो है जो बड़ी प्रेम से शांति से पेशेंस रखते हुए रोटी मांग रहा है, उसे वाला भर देगा। अर्जुन ने 18 दिन सहजता से पेशेंस रखी, सहजता पेशेंस रखी भी रखी, मेहनत भी तो सही है, कृष्ण की कृपा चाहिए, इसलिए कृष्ण पटा के चलो, ऊपर के चक्कर पे रह के चलो, तमस में फंसे रहोगे, मारे जाओगे,
कुछ भी क्यों ना हो जाए, छल बल साम दाम दंड भेद सब करके देगा कॉस्मोस जो कृष्ण है। जो कल वाली मेरी परिस्थिति थी, अब वहां से अगर आप कहते हो कि उसको छोड़ ही दो, उधर जाना ही नहीं, तो फिर वहां मेरा सर्वाइवल कैसे होता? कल ये मेरे पास आए थे, मैंने इनको ये शब्द बोला कि मंदिर मत जाओ, इनके जीवन के अपने विशेष परेशानियां हैं तो मंदिर जाते हैं ये, तो मैंने इनको ये शब्द बोला कि मंदिर जाना छोड़ दो। बड़ी अजीब सी बात है, मंदिर जाना छोड़ दो कोई बात हुई है? तो हमारा उद्देश्य क्या है उस बात के लिए, तो ये शब्द इन्होंने बोला है कि आगे का बताओ। मंदिर आप जा कौन रहा है, पहला पॉइंट ये समझे, मंदिर आप जा रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा रहे, आप अपनी बॉडी को ले जा रहे हैं, आप अलग हैं। आप एक दिन मंदिर गए प्रसाद खा के आएंगे, एक दिन मंदिर गए मामा जी का बेटा उसको भी लेके जा रहा, बड़ी सुंदर मूर्ति है, एक दिन आप मंदिर गए बर्बाद हो गई जिंदगी यार, मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ, साला मैं तो मूर्ति के आगे बैठ कर रोऊंगा, एक दिन आप मंदिर गए आरती है यार आज भाई मजा आएगा, आज नाचेंगे यार उत्सव है, तो आप तो हर बार अलग अलग जा रहे हो, बॉडी तो सेम ही ले जा रहे हो, आप कौन से वाले हो जो मंदिर गए? आप जब भी जा रहे हो आप दुखी हो, इसलिए मैंने मंदिर जाना रोका है। आप दुखी हो और जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर एक बड़ी खतरनाक जगह है, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हम अपने षड विकार छोड़ देते हैं डर के मारे, गंदी बात नहीं छोड़ सोचनी, अच्छी बात सोचनी है, पाप नहीं पुण्य नहीं, पर स्त्री को नहीं देखना, दूसरे के धन को नहीं देखना, और धीरे धीरे आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ये अलाइन होने लगते हैं, और जिस समय आप सच्चे दिल से, सच्चा दिल मतलब एक ही दिल है, एक ही दिमाग है, एक ही मुन्ना है, मुन्ना छेनू सब धुल चुके, सच्चे दिल से अंदर कोई चीज चाह लेते हो वो हो जाती है, तो आप बहुत चांस है कि मंदिर नाम की पवित्र जगह पे जाके आप ऐसा कुछ स्थिति में आ जाओगे। लेकिन जब आप वहां गए हो तो आप क्या करने गए हो? बर्बाद हो गई जिंदगी, मैं दुखी हो गया अपने भाई से, साला ज्यादा मैं कलेश मचा रखा है, मम्मी भगवान निकालो इससे बाहर। अब आप चाह बोल रहे हो भगवान को कि भगवान मुझे इससे बाहर निकालो, और फील क्या कर रहे हो? बर्बाद हो गया मैं, मेरे भाई से मैं दुखी हूँ, जायदाद के अंदर लफड़ा कर। आपके अंदर जो फील हो रहा है उसकी कॉपीज बन रही है फटाफट, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकल रहा है हार्ट से, और वो कॉस्मोस में जा रहा है, और ये कंटिन्यू रहेगा, और आप 10 साल से जा रहे हो और भगवान फिर भी नहीं सुन रहा। आपको समझ ही नहीं आई अभी तक ये बात कि उससे मांगते कैसे, आपको वहां जाके तटस्थ होना है। इसीलिए सबसे पहले मेडिटेशन के इतने गाने गाए जाते हैं, मेडिटेट करो मेडिटेट करो, ऐसे बनो विचार शून्य, निर्विचार अवस्था, विचार शून्य बनो, क्योंकि अंदर चल रही है गालियां, चल रही है अंदर गोलियां, चल रही है हमें पता ही नहीं, तमस अपने आप काम करती है, हमसे पूछती नहीं है। हमारे अंदर लोभ मोह अहंकार ये ऑटोमेटिक है, कोई बोले मुझमें लोभ नहीं है तो उसके पास उसके बगल में 50,000 रुपए रख के देखो, वो आपको वापस लौटा देगा, वैसे भी 50,000 शायद आपके थे, अगले दिन 5,00,000 रखो, हो सकता है 5,00,000 भी लौटा दे, अगले दिन 5,00,00,000 रखो, वो दुबई में मिलेगा, बोले चले गए भाई साहब अचानक टिकट कट गई उनकी। हर व्यक्ति का एक मोल है, नहीं हम बड़े अच्छे हैं, आप एक लिमिट तक अच्छे हो, उससे ऊपर अच्छे नहीं है गारंटी बांध लो, कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, क्योंकि हम जितना मर्जी अपने आप को अलाइन कर लें, कहीं ना कहीं जाके तो अपना पतन होना ही होना है। हाँ, हम कितना मर्जी पुण्यात्मा बन जाए, तमस हमारे अंदर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने क्रोध कर लिया है, कृष्ण जी ने भी रथ का पहिया उठा लिया था, कहीं ना कहीं राम भी विलाप कर बैठे कि हाय लक्ष्मण क्यों मूर्छित हो गया। तमस नहीं समाप्त होगी, इसे समाप्त करने के चक्कर में मत रहो, ये आवश्यक है, आपका सोच का तरीका अलग होना है। एक गुरुजी महाराज के पास न्योता आया एक जजमान का कि आइए जी आज भोजन हमारे यहाँ होगा, बोले भाई आज देखो मेरा तो एकादशी का व्रत है, मेरे दो शिष्य हैं इनको भेज दूंगा। बोले महाराज आनंद आ जाएगा, दो दो ब्राह्मण भराएंगे, मुझे तो डबल प्रसाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद। बोले ठीक है, दोनों शिष्य चले गए, वापिस आए भोजन कर करा के, बैग लेकर रखा दोनों ने, एक एक बड़ा मुस्कुराता हुआ आ रहा है, दूसरा रोता पिटता हुआ। तो महाराज ने कहा भाई क्या हो गया, तुम दोनों गए थे, एक खुश हो रहा है एक बड़ा दुखी है, तो पहले से पूछो क्या हुआ भाई, वस्त्र नहीं मिले, भोजन अच्छा नहीं था, क्या सत्कार नहीं हुआ, आसन नहीं मिला? बोला क्या गुरुजी ऐसे ठीक था, खाना खा लिया मैंने, थोड़ा सा चीनी ज्यादा थी खीर में, पूड़ी थोड़ी ज्यादा तली हुई थी, सीताफल पसंद नहीं आए खास मुझे, और बस वो क्या बताओ गुरुजी बोलना अच्छा नहीं लगता। नहीं बोलो पुत्र हुआ क्या महाराज, गुरुजी कोई बात हुई, इतना तगड़ा जजमान, आप जाते हो आपको 100 का नोट पकड़ाता, हमें 10 पकड़ा दिए, कोई तमीज हुई? ऐसे तो नहीं होता ना बेटा, तो मेरा तुम्हारा स्थान अलग है, मैं क्या करूं, तुम्हें 10 रुपए दे दिए भोजन वोजन तो दुखी, कोई फायदा नहीं। तो दूसरे से पूछा भाई तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। बोले महाराज मजा आ गया, हमें तो आपके ना जाने से लॉटरी सी लग गई है, खाने को खीर पूरी मिल गई, 10 का नोट भी मिल गया। बाकी शिष्यों ने पूछा महाराज से, महाराज ये क्या है, ये अजीब सी लीला, समझ नहीं आया।
बोले बेटा ये पहली प्रॉब्लम है कि जो पहला वाला ना ये पहले बतेरी उम्मीदें लगा के गया था, अब वो कम मिला तो रो रहा है, अरे दूसरा जो है ये उम्मीद लगा के ही नहीं गया था, इसको जो मिला ये खुश है। यानी कि हमारे जीवन की तमस उठती है जब हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, तसल्ली मनाते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और एक्सेसिव खुशी मनाते हैं। जिस व्यक्ति की नेचर में है कि फालतू उम्मीद लगाई, फालतू तसल्ली मनाई, मुझसे लोग पूछते हैं एक बार बता तो दीजिए ठीक होगा कि नहीं, पेपर ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं कहता हूं फेल हो जाएगा लिख दूंगा, तंग मत करो। उम्मीद, तसल्ली, बताना, खुशी, ये चार चीजों पे हमने डिटेल क्लास की हुई है, हाउ टू क्रिएट फ्यूचर। अगर आप ये चार चीजें रोक सकते हो, आप तमस के क्षेत्र से ऊपर होंगे, भगवान आपके लिए खुद प्लेट में परोस के देगा चीजें। बहुत से लोगों को मिलती क्यों है, कैसे मिल जाती है, अपने आप मिलती कैसे मिलती है, कोई उम्मीद ही नहीं है, गए दक्षिणा जो मिलेगी मिल जाएगी, जो मिला लॉटरी, अपने आप मिलती है। ये वो लोग हैं जो पहले से सेल्फ इंप्रेस्ड है, आई डिजर्व इट, मुझे इतनी नॉलेज है, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना लिख लिया, मेरे से सुंदर कोई है नहीं, मेरी बातचीत का स्टाइल देखो, घमंड करूं तो क्या करूं और ना करूं तो ना करूं। वो पागल हुए पड़े हैं अपनी नजरों में अपने आप को बहुत ऊंचा मानना, मैं सही हूं तुम गलत हो, ये भाई दो भाइयों का झगड़ा है, देख भाई मैं तेरे साथ सही चल रहा हूं तू नहीं चल रहा, तो तू क्यों चल रहा है, तू भी उतना ही चल जितना मैं चल रहा हूं, किस लिए पंगा है। हम तुम्हें ये बोल के कह रहे हैं, मैं हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम भी करो। पति पत्नी के झगड़े अक्सर होते हैं बहुत ज्यादा, कि मैंने तेरे लिए इतना किया, पति तो बहुत चालू होता है इस मामले में, पत्नी को कहते हैं मैं तुझे कुछ नहीं रोकता टोकता, देख ले अब तू भी मुझे मत रोकियो टोकियो, अब मुझे जाने दे बैंकॉक एंड टोकियो, पोएम बन गए, पोएम बन गए। क्यों नहीं टोकते भाई, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उसे भी टोका जाए। पत्नी भी इस मामले में कहती देखो मैं बड़ी सच्ची हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, क्यों हो तुम फालतू में अच्छे, क्योंकि तुम दूसरे को मजबूर करो तू भी ऐसा बने, सब अलग अलग है, एक जैसा ऐसा नहीं हो सकता, स्वतंत्रता में रहो, इजी में रहो, और जब तक डी को नष्ट नहीं होने दोगे आप रजोगुण से सतोगुण पे क्लाइंब नहीं कर सकते, आप पागल हो जाओगे लड़ लड़ के, मुझे सुख दे सुख दे सुख दे, नहीं मिलेगा, आप दुखी ही रहोगे। दो पहले तो सतोगुण क्यों मांगे और कुछ भी क्यों मांगे, मांगना ही क्यों है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी क्यों मांगे, मांगना ही क्यों है, तो मांगने में क्या बुराई है, जो नहीं मिला मांग लो, मांगते कैसे हैं ये समझो वाली बात है असली, क्यों ना मांगे, मांगो, ईश्वर के भंडार भरे पड़े हैं, वो देता नहीं, हम बैठे हैं अर्जुन बन के हम कुछ ना करेंगे, अकल आई ना सारी, महाभारत जीत गया ना, क्या से क्या नहीं होता, कैसे चमत्कार होते हैं जीवन, कमाल करते हैं लोग, मोदी का हाल देखो कहां से कहां जा रहा है, जीत के क्या हुआ आखिर, तो एंड तो वही है ना, 36 साल के बाद फिर हिमालय, भाई कह रहे जीत के फिर क्या हुआ, 36 साल के बाद तो फिर हिमालय एंड ऑल है ना, क्यों 36 साल तो मजे लिए, वो मजे ना करे, रजोगुण ना आने दे, ये वो वाली बात हो गई, क्या रखा है संसार सब मोह माया है, मरने के बाद सब मिट्टी है, छोड़ो परे, हाँ तो बाद में मिट्टी अभी तो जिंदा है, छोड़ जाएंगे बहुत सारी मिट्टी, हमें ज्यादा मिट्टी छोड़ के जानी है, उस मिट्टी के लिए इस जन्म में पागल नहीं होना, लेकिन मिट्टी बनाएंगे, सब कुछ ना साथ जाता, बेवकूफी की ट्रेनिंग दे रखी है, पागल बना रखा है, सब साथ जाता है, ऊर्जा रूप में सब साथ जाता है, कैसे मिलता है इस जन्म में रेडीमेड फिर दुख और सुख, क्योंकि पिछले जन्म से आया है, सारे के सारे बात करते हैं प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म में पाप किए थे तो क्यों मिल रही है फिर पिटाई, क्यों नहीं अमीर बने, पिछले जन्म के कर्म है, तो क्यों अमीर बने, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म में गुरु कर लो ना, आशीर्वाद लो, सब साथ जाएगा, आशीर्वाद कमाओ, फिर तो आशीर्वाद का महत्व खत्म कर दिया आपने बात का, तो आशीर्वाद सतोगुण पे जाके मिलना है, आशीर्वाद तो भाई मैंने कुछ कहा जिससे कुछ अच्छा हुआ, ये सतोगुण है, ये कहा गया, ये सतयुग बन गया, मैंने कुछ कहा जिससे सत्यानाश होगा ये श्राप है, ये भी आशीर्वाद का ही दूसरा फॉर्म है, ये भी श्राप ही है, आशीर्वाद ही, इसीलिए माता पिता का श्राप ले लोगे आशीर्वाद ले लोगे, गुरु का श्राप ले लोगे आशीर्वाद, क्या लोगे, ये चॉइस हमारी है, इसीलिए ईश्वर कहता है झुक के रहे, सारे मंदिर जाते हैं झुक के रहते हैं, क्योंकि वहां पर आशीर्वाद और श्राप मिलेगा जरूर, गारंटी है कुछ तो मिलेगा उसके दरबार से, खाली तो कोई जाएगा नहीं, मांगना नहीं आता हमें, लेना नहीं आता, और जब मिलता नहीं हमारे गलत मांग की वजह से तो हम कहते हैं क्या रखा है मांगने में, मांगना नहीं आता, अर्जुन बनना नहीं आता, कृष्ण चुनेगा ही अर्जुन को, वो दुर्योधन को चुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो कृष्ण है, कॉस्मोस चुनेगा ही उसे जिसमें गुर्दा है, कॉस्मस चुनेगा नहीं अकर्मण्यता को, इसलिए तमस या कर्मण्यता लाती है, ये रोक देती है आपके अंदर का उत्साह खत्म करती है, आपको क्लास देखनी चाहिए लॉयन LION देखो। हाँ जी, उन्होंने पूछा है तीन गुण में हमें सिचुएशन के हिसाब से जाते आते रहना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे तीनों गुण के हिसाब में ट्रेवल करना पड़ेगा एज पर सिचुएशन। हाँ,
और एक क्वेश्चन इनका और है कि भैया उम्मीद तसल्ली बताना खुशी सिचुएशन ये सब नहीं करना है समझ आता है पर जब कोई सिचुएशन आती है तो ये सब हो ही जाता है ये समझाओ कि इसे कैसे चेंज करें। इन्होंने कहा है कि भाई ये सब अपने आप हो जाता है उम्मीद तसल्ली बताना खुशी अपने आप ही हो जाता है बात मुंह से लीक हो ही जाती है इसके लिए क्या करें इसके लिए क्लास देखें हाउ टू क्रिएट फ्यूचर 2 घंटे की और दूसरी देखें होना या करना 2.5 घंटे की। आपसे हो जाता है एक्सीडेंट कोई करना नहीं चाहता ये हो जाता है सबसे क्यों नहीं होता। बहुतों की गाड़ी बढ़िया चल रही है बहुत लोग बड़े नोट पीट रहे हैं बहुत लोग बड़े सुखी है घर में करना आता है उन्हें सीखो ना उनसे ना हमें ना कोई सिखा सकता हमें पहले से पता है हम रेडीमेड है सीखो पूरा जन्म शिक्षित होते रहो आप इस योग्य होने चाहिए कि गुरु ढूंढ के आपको सिखाए आप में तमस होगी आप टैं 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 करोगे आप बुरा मुंह बना के रखोगे सड़े रहोगे सारे टाइम क्लेश करोगे कभी ना उठ पाएगा जीवन कभी ना सुधार हो पाएगा जीवन शरीर खराब रहेगा स्वास्थ्य अपसेट होगा स्वास्थ्य अपसेटनेस की बात करते हैं अभी इंटरव्यू के बाद। कृष्ण जी के पास जा रहे हैं तो अभी तो डर के जा रहे हैं कृष्ण जी के पास यही तो बात हो रही है आप कृष्ण जी के पास जा रहे हैं बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि हम कृष्ण जी के पास यानी भगवान के पास जा रहे हैं तो डर के जा रहे हैं तो क्या मिलेगा। अर्जुन कृष्ण के पास कैसे गया और दुर्योधन कृष्ण के पास कैसे गया आप डर के जा रहे हैं आप जीवन में कोई कर्म कर रहे हैं दादाजी अंदर सुन रहे हैं कॉस्मोस देख रहा है परमात्मा दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट हो रहा है आप अहंकार से जा रहे हैं क्लेश से जा रहे हैं क्रोध से जा रहे हैं ईर्ष्या से जा रहे हैं कामना से जा रहे हैं वासना से जा रहे हैं भय से जा रहे हैं क्या मिलेगा ले जा सेना ले जा सेना ले जा तू मेरी कृष्ण किसे मिलेगा जो शिष्यत्व लेके जो परेशान ठीक होता तो जाती कैसे। हाँ इन्होंने बोला जो परेशान है वही तो जा रहे हैं तो परेशान व्यक्ति उसके चरणों में भी तो समर्पण कर सकता है अर्जुन की तरह करते पर समाज में रहते हैं और सब बातें घूम जाती है ये कह रहे हैं समाज में रहते हैं तो सब बातें घूम जाती हैं जब कृष्ण के पास जाना चाहोगे तो समाज नाम की चीज कहाँ रही। लेकिन दादा यहाँ पे समाज में क्यों हो क्योंकि समाज के पास है मोह लोभ अहंकार तो आप फिर वही हो तो कृष्ण कहाँ से पूरा करेगा क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको एक अफसर से मिलना है उस अफसर से मिलने लायक आपकी औकात अप्रोच पोजिशन होनी चाहिए नहीं तो क्लर्क से कहेगा तो इसे क्लर्क से मिलवा कैसे मिलेगा वो आपसे आप उसके योग्य होने चाहिए। आपके पास बीमारी आपके पास बहुत भयानक बीमारी हो गई तो आप 10,000 रुपए की कंसल्टेशन वाले डॉक्टर के पास जाओगे छोटी मोटी होगी आपको ये नुक्कड़ पे यार इसको दिखा देना अरे इसने खोल रखा ठेले वाले के पीछे जो दुकान जिसकी दिखती नहीं वहां चला दे यार 50 रुपए फीस दे देगा। आप डिजर्विंग हिसाब से जा रहे हो ना 40s में जाते हो 1,00,000 रुपए का बिल देते हैं एक दिन का आईसीयू का वहां से लाशें नहीं निकलती भाई छोटे नर्सिंग होम में क्या कहते हैं इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ क्यों क्योंकि वहां से लाश निकलेगी तो उस योग्य तो बनो। आप फिर भय से क्लेश से क्रोध से ईश्वर से मांग रहे हो जब आप जो लगातार सोच रहे हो वो मांग ही रहे हो हम खुद को ब्लेस कर रहे हैं हम सारे टाइम खुद को श्राप देते रहते हैं क्लेश देते रहते हैं कुड़ते रहते हैं सारे टाइम कुड़ते हैं श्राप देते हैं। फिर एक्सरसाइज बताओ जब आप कहते हो कि हम कहें कि कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो आप कहते हो वो भी आपका मुन्ना ही बता रहा है कि आप प्रेम कर रहे हो प्रेम नहीं करते। इन्होंने बोला प्रेम कर रहे हैं जब होता है तो वो भी तो मुन्ना ही कर रहा है प्रेम किया नहीं जाता दिल दिया नहीं पूरा मत गाने थे ना मुझे अभी भी फटा था भी आ रहा है अंदर दिल दिया नहीं जाता हो जाता है प्यार होता प्यार किया नहीं जाता। ओ प्यार तो ठीक है हम तो शुद्ध हिंदी में हमारे में घमंड भी तो है प्रेम प्यार में फर्क करते हैं ना हम घमंडी लोग हैं। प्रेम की परिभाषा क्या हुई ना उसको बताया जा सकता है ना रियलाइज किया जा प्रेम होता है इस पे क्लास की हमने व्हाट इज लव हर बात पे क्लास की तीर मार लेंगे हम प्यार होता है केयर एंड रिस्पेक्ट खत्म ये एक लाइन वन लाइनर है बाकी तो क्लास सुनो पूरी व्हाट इज लव आपको प्यार समझ ही नहीं आप कर कह रहे हैं प्यार मूर्ख करते हैं समझदार प्यार नहीं कर सकता समझदार बातचीत करता है। हाँ हाँ कृष्ण अगला बताइयो हाँ अर्जुन ले बताइए हाँ अगला बताइयो छोड़ दिया प्यार दफा किया लल्लू हो गए मूर्ख हो गए वो है प्यार प्यार में काहे की बातचीत प्यार में अगर बातचीत है बताओ मुझे समझाओ मुझे प्यार नहीं है प्यार में बहस नहीं होती प्यार में मनुष्य मूर्ख हो जाता है लीला समझता है। मीरा का ऐसी नाम थोड़ी है अगर सारे टाइम कबीर ने यही कहा होता यार हमें कुछ देते तो हो नहीं बंसी वाले हमें तो कंगला बना रखा है चाहिए जो मांगा वो दिया उसे शांति चाहिए शांति मिली नाम दोहे कबीर आज तक कहानियां की जाती है जो मांगोगे देगा मांगना ही नहीं आता। आपको क्या लगता है ज़करबर्ग और एलन मस्क प्यार करते हैं राम से कृष्ण से या जीसस से तो प्यार है कहाँ प्यार व्हाट इज लव वो अपने कार्य से प्यार करते हैं। जब आखिरी शटलशिप जानी थी एलन मस्क की
तो उसे पता ही नहीं था, नो लॉजिक, उसने कहा फेल देंगे ये भी करेंगे साला, वो चल गई। लव इज ब्लाइंड, अपने काम से प्यार करो। हम मीन में ढूंढते रहते हैं मेरा पति कर क्या रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, प्यार खत्म हो जाएगा। मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कैसे करना है। जिसे पता ही नहीं वो नोट पीट रहा है, जो बहुत ध्यान दे रहा है ऐसे करना है ये करना है, कैलकुलेशन चल रही है। अरे अमीर जब बनाता है भगवान ऐसे थोड़ी बनाता है। हमारी कन्वर्सेशन में हम ये क्यों बोलते हैं कि जिसे पता ही नहीं वो नोट पीट रहा है, नोट पीटना इज वाई सो इम्पोर्टेंट। नोट पीटना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं मतलब नोट उसे पीटे, जीवन चलाना इम्पोर्टेंट है। देखो नोट पीटना क्यों इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों को नोट पीट रहे हैं, आपको पता है कुछ लोगों को नोट पीट रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है, उन्होंने जंग लगा के रखा था, मस्त हिलते ही वो ना नोट ग्रो करते हैं, वो दिमाग खा जाती है, ऐसे बहुत नोट निकले लोगों के पास। और वो जब निकलते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, चोरों के पास जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, 10 पेटी निकल गई मेरी, तो रोक रहा तेरी थी नहीं, वो रो रहे, वो रोलाने के लिए आया था, उसे नोट पीट रहा है। और कुछ लोग ऐसे नोट पीट रहे, मजे आ रहे, उड़ा रहे, खा रहे, अब फिर हम जलते कुड़ते गए अबूधाबी जा रहे भाई छुट्टी पे, पार्टी करोगे, तो रजस से भरा पड़ा अमेरिका, ये रजोगुण है पूरे कनाडा में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में भोग। उस भोग को विलासिता में ले जाओगे वो रजोगुण तमस ड्रिवन है, वो बर्बादी है। भोगो ना, क्यों नहीं भोगना जीवन, ये बात ही हजम नहीं होती, जिंदा रहते हुए क्यों नहीं भोगना। आप एक उम्र तक ही शरीर भोग पाएगा, उसके पश्चात शरीर भी कहेगा काफी है, लेकिन उसके बाद शरीर क्या कहेगा, तृप्त हो गए मियां, बहुत पान खाए जिंदगी के अंदर, बहुत रसगुल्ले खाए, अब तड़प ना रही, अब आप संन्यास जल्दी ले सकोगे और बड़े अच्छे से। ये सारे राजे महाराजे क्यों सन्यासी अच्छे बनते थे, ये सारे के सारे ऋषि अमीर थे, क्योंकि भोग के तृप्त हो गए थे। भोग के द्वारा एक समय पश्चात मनुष्य तमस शांत कर देता है, भोग लेता है। जीवन को क्यों ना भोगो, जीवन से लड़ रहे हैं, भोगना नहीं आता, भोगना नहीं आता। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द दिस, ये है आंसर कि हमें भोगना नहीं आता, हमें प्यार करना नहीं आता, हमें अमीर बनना नहीं आता, हमें शांत होना नहीं आता। स्कूल में एडमिशन ले, एक गुरुजी पकड़े वो ही सिखा पाएंगे, क्योंकि हमें तो आता नहीं, ये सीखना पड़ेगा। इसीलिए महत्व है सीखो, शिष्य बनो, यह है सिख धर्म। सब सीखने को राजी है, सारे शिष्य है एक गुरु के अंदर, अकाल मूर्त खत्म, कोई स्यापा ही नहीं, तू है कौन क्या नहीं है, तू है बस है खत्म, शिष्य बनना है वो उठा लेगा अपने आप। इसलिए सीखने की कला तमस सीखने नहीं देती, ये चाहते ही नहीं सीखें, ये कोसना सिखाती है। इसकी बात हम करेंगे जी, जरा निपटा लें।